मर्दों के साथ भी हो रही होती हैं चीजें, मर्दों के साथ बहुत होती हैं राबिया। कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मर्द जल्दी मरते हैं और खवातीन ज्यादा लंबा जिंदा रहती हैं। प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर उतना ही होगा जितनी, मैं ये नहीं कहता औरतों पे कम प्रेशर, औरतों पे भी बहुत प्रेशर है, लेकिन औरतों को इजाजत है अपनी इमोशंस को निकालने की, रोने की, चीखने की। मर्द जो है ना वो अपनी मर्दानगी में फंस के रह जाते हैं कि मैं तो उसके बारे में बात ही नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। फिर होता क्या है, 50-60 साल की उम्र में हार्ट अटैक करके मर जाते हैं। वो जो लिख रहे होते थे लेटर्स भी यहाँ स्पेशल को, उधर भी कहानियां लिख रहे होते थे, वहीं से आया है। आई स्टिल राइट एंड आई एंजॉय राइटिंग एंड आई थिंक इट्स थेरेप्यूटिक। द रीजन आई एम आस्किंग इज नॉट टू पुट यू ऑन स्पॉट, नो, इट्स अ कन्वर्सेशन एंड यू कैन बी ऑनेस्ट इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई। आई थिंक लाइफ इज बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर इन टर्म्स ऑफ माय पर्सनल लाइफ, माय लव लाइफ एंड ऑल। मेरा काफी ट्रायल एंड एरर हो चुका है, वाज एंगेज्ड फॉर अ व्हाइल, दैट ब्रोक ऑफ एज वेल, वी डोंट टॉक अबाउट दैट। मायरा और मेरी आर्गुमेंट्स यहां पे हुए कि मायरा ने कहा कहानी वहां खत्म हो जाती है, शेरी, यू नो शी कॉल्ड मी शेरी बट शी इज लाइक शरियार, यू नो वी, जहां पे मैं वो अंगूठी रख के निकल जाती हूं वहां पे कहानी खत्म। मैं कहा नो मायरा, एंड व्हेन वी फॉट फॉर सो, मैंने कहा अच्छा मुझे शूट करने दो, उसके बाद तुम्हें ना पसंद है मैं निकाल दूंगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। आजकल कोशिश ये होती है कि ड्रामों और इंटरव्यूज के अलावा भी हम कुछ डिफरेंट बात करें, वो बातें जो सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट टैबूज को या इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को टच करती हैं और शायद उन पे बात नहीं होती। हर 4 शादीशुदा औरतों में से एक औरत डोमेस्टिक अब्यूज को फेस करती है पाकिस्तान में, ये कुछ सर्वे की फाइंडिंग्स है जो हमें पता चली हैं। अभी रिसेंट वीडियो आई मशादी के, जिसमें इसी टॉपिक को उन्होंने हैंडल किया। व्हाट आई लव्ड अबाउट दैट वीडियो वाज एक नहीं 4-5 मैसेजेस थे, और बहुत डिफरेंट मैसेजेस थे, एंड इट मेड मी थिंक कि यस डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है लेकिन हम बात नहीं करते, हम उस पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो जो उसके डायरेक्टर और राइटर हैं शरिया मुनव्वर, मैंने उन्हें कॉल की बिकॉज आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद द वीडियो, आई लव्ड इट। तो जब हमारी बात स्टार्ट हुई तो फिर द थिंग्स दैट ही वॉज टेलिंग मी, द थॉट प्रोसेस जो उनका उसमें चला था, इट रियली इंस्पायर्ड मी एंड आई जेन्युइनली फेल्ट कि मे बी दीज आर द पॉइंट्स जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डिफरेंट टाइप का कंटेंट क्रिएट करें फ्यूशा पे, ये उस कोशिश का एक हिस्सा है। हमने शरियार को आज अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है और हम उनसे मशादी के पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट था, क्या थॉट प्रोसेस था, उस पर बात करेंगे, और कुछ हम मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू इन रिलेशनशिप्स एंड लव उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। Ravi, you have such a sweet voice. I was just listening to you right really? now. Really? Yeah. Marsha, that's why I think आप इतना बेहतरीन काम कर रही हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ में एक certain मिठास है। नहीं, I've learned कि मैं आहिस्ता बात करूँ, मेरी आदत है जब मैं बात कर रही होती हूँ तो मैं बहुत तेज़ी से बात करना शुरू कर देती हूँ। अक्सर रिव्यूज़ में भी फिर मुझे लोग बोलते हैं आप, सो आई नाउ एक्चुअली kind of consciously make an effort कि मैं थोड़ा सा slow बोलूँ, और फिर topic पे भी depend करता है। But वो ठीक है, उतार चढ़ाव होते रहना चाहिए। कभी आप passionate हो जाते हैं किसी चीज़ के बारे में तो वो तेज़ी आ जाती है आपकी गुफ्तगु में। क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है आजकल? Lot of work, lot of new things या क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, just काम तो चलता रहता है एंड वही चल रहा है। एंड मैंने एक नया असूल बनाया काम को लेके, वो ये है कि जब तक काम होता नहीं है मैं उसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा जो दिमाग है, ब्रेन की वायरिंग ऐसी हुई हुई है कि जब तक, जैसे ही हम किसी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं तो हमें उसकी जो है सेटिस्फैक्शन मिल जाती है ब्रेन को। जैसे आपसे मैं बोलूँ, अक्सर आपने देखा होगा फिल्म मेकर्स होते हैं कुछ दिन, मैं एक फिल्म बनाऊँगा, ऐसी बनाऊँगा, वो जितनी दफ़ा उसके बारे में बात करते हैं उनकी ब्रेन को सेटिस्फैक्शन मिलती जाती है थोड़ी 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 थोड़ी, फिर इतनी सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि उनको एक्चुअल चीज़ करने का मज़ा ही नहीं रहता, वो कम हो जाता है। हाँ, सो मैंने अब ये डिसाइड किया कि जब तक चीज़ होगी नहीं तब तक मैं ये आपको बताने के लिए, और अपने आप एसेंशली तो वो सेल्फ सर्विंग होता है, अपने आप को खुश कर रहे होते हो कि पता है राबिया मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, और उससे मेरे दिल को खुशी मिलती है। तो वो खुशी मैं अभी नहीं दूंगा अपने दिल को जब तक वो काम नहीं हो, काम होगा तभी। वो तो हम देखते रहते हैं माशाल्लाह, वी कीप सीइंग यू इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट थिंग्स। कमिंग टू मशादी की वीडियो जो अभी रिसेंटली आई, तो वॉक अस थ्रू द प्रोसेस, स्टार्ट कैसे हुआ, हु अप्रोच्ड यू, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बेसिक दिया था उस पर आपने बिल्ट अप किया, कैसे हुआ? अच्छा, पहले तो इस पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले जो है ऑडियंस को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि राबिया मुझे यहाँ पे खींच के लेके आई है। नो नो, आई डोंट वांट टू से दैट। मुझे देखिए, एक डर होता है, एक खौफ होता है, वो ये होता है कि जनरली मैंने देखा है फिल्म मेकर्स के अंदर एक प्रीटेंस आ जाता है, यू नो देयर इज अ प्रीटेंस अबाउट देम, वो काम से ज़्यादा आर्ट उनके अंदर नज़र आ रहा होता है आपको। तो मुझे उससे बहुत खौफ आता है कि वो प्रीटेंस मेरे अंदर कभी ना आए, मैं काम को लेके कभी ये ना बोलूँ कि यार मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, मैं वैसा काम कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअलाइज ज़्यादा करूँ या कुछ करूँ।
सो इसलिए मैं बहुत डर रहा था. तो मैं बताना चाहता हूँ राबिया ने, एंड माशाल्लाह राबिया, मैंने आई मस्ट गिव इट टू यू, यू आर सो पर्सिस्टेंट अबाउट इट. यू आर लाइक, नो आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, देयरफॉर यू हैव टू कम हियर. एंड मैंने एक दो हफ्ते तक हमारी बात होती रही और मैं आपको यही बोला था कि नहीं राबिया, अच्छा मैं सोच रहा हूँ, अच्छा मैं नहीं आऊँ. बिकॉज सच बताऊँ, मेरा खौफ यही था कि एक फिल्म मेकर या कोई भी आर्टिस्ट तब तक सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो सच बोलता रहे, अगर उसके अंदर जो दिल की सच्चाई है वो सामने आए. अगर मेरे सच बोलने में थोड़ा भी प्रीटेंस आ जाएगा तो अगर अल्लाह ने मुझे कला दी है तो शायद वो ले ले मुझसे वापस, यू नो व्हाट आई मीन. सो इसलिए मैं डरा हुआ था. सो पहले तो मैं ये आपको एक वो देना चाहता हूँ कि कसम से मेरी कोई कोशिश नहीं है प्रिटेंशियस होने की. इसके आगे भी जो मैं बोलूँगा सच बोलूँगा, जैसे मैंने सोचा था वो बोलूँगा. आई थिंक काफ़ी जो मैंने बोला था वो आप तक पहुँच भी गया, समझ भी आ गया. सो ये मेरा एक डिस्क्लेमर है शुरू करने से पहले. शहरयार बिल्कुल सही कह रहे हैं और शहरयार का एक कंसर्न था, एंड आई टोल्ड शहरयार, एंड मैं भी ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने शुरू में बोला, शहरयार वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स. येस वी डू रिव्यूज़, वी डू इंटरव्यूज़, लेकिन ये एक इंटरव्यू एज सच नहीं है. हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसपे आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट. और जब आप जैसे लोग जो एक हैसियत रखते हैं, जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, जो कुछ कर भी सकते हैं, माफ कर देना, ऐसी कैसी ऐसी बातें ना करें. नहीं, ये आपकी कुर्सी बड़ी खतरनाक है, आपको पता है? मुझे इस कुर्सी, नहीं वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये इस कुर्सी में बहुत मुझे लगता है लोग आते जाते रहते हैं. क्यों खराब हो रही है, हमें चेंज करनी चाहिए. जस्ट विजिटिंग वाली कुर्सी है ये, इसके ऊपर आपको जस्ट विजिटिंग लिखना चाहिए. यहाँ पे हर दो तीन कोई आता है शख्स, तीन घंटे के लिए बैठता है और तीन घंटे जब वो जाता है तो अपने कुछ इसमें अपनी कुव्वतें छोड़ के जाता है. तो ये बड़ी आपकी एक हैपनिंग कुर्सी है, ये वाइब्रेट कर रही है एक सर्टेन उस पे. हाँ, इसमें से मैं क्या लेके जाऊंगा और क्या छोड़ के जाऊंगा वो तो अब पता नहीं है, जब इंटरव्यू खत्म होगा तो उसके बाद ही मुझे पता चलेगा. नो, तो आई फील कि जब आप इस पे बात करेंगे बहुत से लोग सुनेंगे और मे बी थॉट प्रोसेस चेंज हो. सो गोइंग बैक टू यू, हाउ डिड इट स्टार्ट. मैं आपको बताता हूँ, माहिरा के साथ कोलैबोरेट किया था इससे पहले प्रिंस चार्मिंग पे, एंड वो एक ब्रांडेड कंटेंट नहीं था वो, इट वाज अ शॉर्ट फिल्म एंड थोड़ी सी मैं उसको आर्ट मूवी कहूँगा बिकॉज उसमें मैंने ज़्यादा कमर्शियल एंगल नहीं सोचा था. बट येट आई एम अ फर्म बिलीवर कि आर्ट हैज़ टू बी कमर्शियल. देर इज़ नो सच थिंग एज कि ये आर्ट फिल्म है, ये कमर्शियल फिल्म है. कोई द पर्पज ऑफ आर्ट इज़ टू एंटरटेन, टू एजुकेट, टू मोर देन एनी थिंग टू गेट पीपल्स अटेंशन. अगर आर्ट एट अ सर्टन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अटेंशन नहीं ले पाएगा तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा जो आप आर्ट के थ्रू करना चाह रहे हैं. सो देयरफॉर कमर्शियलिज्म एंड आर्ट गो हैंड इन हैंड, एटलीस्ट माई स्कूल ऑफ थॉट, दैट्स व्हाट आई बिलीव. बट उसका जो एक्सप्रेशन था प्रिंस चार्मिंग का, वो बहुत एक प्योर रॉ, ज़्यादा कंट्राइव नहीं था, कि स्ट्रक्चरली कंट्राइव नहीं था. वो बड़ा जो फ्री फ्लोइंग था जिस तरीके का, वो माहिरा के साथ किया था, बहुत मज़ा आया था. एंड आई थिंक मैं और माहिरा एक बहुत डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट हमने किया उस प्रोजेक्ट पे, उस प्रोसेस में, एंड वी बोथ काइंड ऑफ एंजॉयड इट. आई थिंक वी वर वेरी, वी फेल्ट स्पेंट, एंड दैट इज़ अ गुड फीलिंग फॉर एन आर्टिस्ट व्हेन यू फील स्पेंट, कि आपके अंदर से चीज़ें निकली हैं. सो कुछ महीने बाद फिर यू नो माहिरा रैंडमली कॉल्ड मी एंड शी सेड, यार मैं हर साल मशादी करती हूँ एंड मेरी टीम की बड़ी ख्वाहिश है कि तुम करो इस दफ़ा. तो आई सेड या श्योरली, लेट्स सिट टुगेदर. सो उसने कहा कि यू नो, उसकी टीम ने बताया कि यू नो वी सैट एंड वी डिस्कस. मैंने कहा आप लोग आए बैठ कर डिस्कस करते हैं, वी डिस्कस. उन्होंने कहा कि यू नो वी वांट टू डू समथिंग अराउंड डोमेस्टिक अब्यूज, यू नो, एंड देन बट देन देयर इज अ सर्टेन स्ट्रक्चर. अब आ जाते हैं जो मैं आपको कहता था प्रिंस चार्मिंग में स्ट्रक्चर नहीं था. यहाँ पे स्ट्रक्चरली कुछ चीज़ें पहले से आपके कंस्ट्रेंट्स थे कि वो मशादी है, जिसका मतलब है शादी हो तो सेटअप शादी में होना है, ठीक है, एंड एक दुनिया पहले से उसकी कंस्ट्रक्टेड है. और मैं उसका एक तीसरा एपिसोड थी ये कर रहा था, तो मुझे उस दुनिया से मैं निकल नहीं सकता था. सो वो मुझे बताया गया, उन्होंने कहा कि इसके इर्द गिर्द हम एक डोमेस्टिक अब्यूज़ पे एक अच्छा, क्योंकि नूर मुकदम का भी केस चल रहा था, वॉज वेरी रेलिवेंट. तो उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि हम एक यू नो इसको नॉर्मलाइज करें, टू बी एबल टू टेक दैट स्टैंड. तो फिर उनकी एक स्टोरी थी, मैंने उनको कहा कि दिस इज़ वेरी नाइस, बट अगर आप मेरे पास आए हैं तो फिर अब फिर मसाले मैं क्या डालूंगा, मुझ पे छोड़ दें. आपने मुझे बताया कि आपको चाहिए, लेट्स से यू नो कि आपको ऑर्डर क्या करना है वो आपने दे दिया. अब उसमें मसाले मैं अपनी मर्जी के डालूं, बनाना कैसे वो मुझे छोड़ दें. हाँ, मसाले क्या डालें और बनाना कैसे वो मुझ पर छोड़ दें. दे वर वेरी काइंड एंड दे सेड ओके फाइन. एंड सो आई सैट डाउन, आई स्पेंट अ डे, एंड देन आई केम अप विद अ स्क्रिप्ट. वो मैंने नरेट की और ऑब्वियसली मैं आई विल गिव इट टू द ब्रांड टीम ओवर हियर, बिकॉज ये
एट द एंड डे एडवर्टाइजिंग है, साढ़े चाहे अगर 5.5 मिनट की भी है बट है तो एडवर्टाइजिंग और एक ब्रांड पे कर रहा है उसके लिए. सो फॉर अ ब्रांड टू बी करेजियस इनफ टू बी दिस डार्क, अभी मैं ऑब्वियसली प्रिंस चार्मिंग जितना डार्क नहीं था क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो मात्रे आप अपने सेट करते हो कि ये बिकॉज एडवर्टाइजिंग है तो हमने ये इस तरीके से चलना है. बट येट द स्क्रिप्ट इज स्लाइटली डार्क. सो वो बिकॉज अगर आपको उसके बारे में बात करनी है तो आप कहते हैं ना आपको बुराई गंदगी अगर साफ करनी तो हाथ गंदे करने पड़ेंगे, तो थोड़े तो करने पड़े थे उसमें. एंड दे अप्रूव्ड इट एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. एंड सो माई अब आ जाते हैं कि हाउ आई अप्रोच्ड इट. सो जैसे मैं आपको कह रहा था, मुझे लगता है कोई भी अगर फिल्म हो, एक फिल्म जो है, फिल्म मेकिंग जो है एक कोलैबोरेटिव आर्ट है. ये वो वाला आर्ट फॉर्म है जिसमें सारे आर्ट्स इंक्लूडेड हैं. मतलब आप फ्रेम बनाते हो तो वो एक पेंटिंग है, राइट? एवरी फ्रेम इज़ अ पेंटिंग. सो वो आपका जो है पेंटिंग एक आर्ट फॉर्म आ गया. उसमें म्यूज़िक है तो म्यूज़िक आ गया, साउंड डिज़ाइन है, साउंड डिज़ाइन एक्टिंग है तो परफॉर्मेंस आर्ट आ गया उसके अंदर, यू नो, लाइट है. सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट दैट गो इनटू फिल्म मेकिंग, दैट इज़ व्हाई इट्स अ कंप्लीट आर्ट फॉर्म, राइट? बट एट द एंड ऑफ द डे बेसिक लेवल पे अगर मैं कहूँ तो फिल्म मेकिंग उसी तरीके से कि मैं आपके साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूँ. सो मुझे आप तक अपनी बात पहुँचानी है. मैं जितना इंटरेस्टिंग हूँगा उतनी आपको मेरी बात याद रहेगी. मैं जितना बोरिंग हूँगा उतनी आपको मेरी बात याद नहीं रहेगी. सो एट द बेसिक एट द कोर ऑफ फिल्म मेकिंग आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़. कि मैं वहाँ पर 5.5 मिनट के लिए आया हूँ और एक मोनोलॉग कर रहा हूँ. मोनोलॉग क्यों? क्योंकि कोई और नहीं बोल रहा, सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ 5.5 मिनट के लिए. अभी भी वैसे ऐसे ही फील कर रहा है. लेकिन सो एक मोनोलॉग है और उस मोनोलॉग में जैसे आपने कहा कि कभी मैं तेज़ हो जाती हूँ, कभी मैं आहिस्ता हो जाती हूँ. सो दोज थिंग्स रियली मैटर कि कब मैं पेस उठाता हूँ, कब मैं पेस गिराता हूँ, मैं आपको शॉक कैसे करता हूँ. शुरू में शॉक करके मैंने आपको एंटरटेन कर देता हूँ कि राबिया मेरी बात सुनो, ये कह के मैंने आपको खींच लिया. अब मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करूँ. कहाँ पे मुझे स्लो होना है, कहाँ पे मुझे इंडल्ज करना है, इट इज़ जस्ट लाइक एक स्पीच दे रहे हैं आप. और जितनी इफेक्टिव आपकी स्पीच होगी वही विजुअल फिल्म मेकिंग है. सो हैविंग सेड दैट, ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं तो सर्टेन माउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं. आपको वो माउंट करना है एड की तरह. मेरी सर्टेन जो कैमरा मूवमेंट्स हैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, वो एक सर्टेन स्टाइल में. सो आई वॉन्टेड टू स्टिल स्टे इन माई फिल्मी स्टाइल. एंड देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ, अगर आपने प्रिंस चार्मिंग भी देखी होगी, देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ मूवमेंट. मुझे फ्लूइडिटी बहुत अच्छी लगती है ऑफ द कैमरा. लाइक आई फील लाइक द कैमरा शुड, मैं जर्कीनेस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ फ्लूइडिटी. लाइक इट शुड फील लाइक वन कट फ्लोज इनटू द नेक्स्ट कट फ्लोज इनटू द नेक्स्ट वन. एंड मेरा मूवमेंट टू मूवमेंट काटने का बड़ा दिल होता है. ये टेक्निकल थोड़ी सी मैं आपको बता रहा हूँ. सो हैविंग सेड दैट, येट जितना मेरा फ्लूइड कैमरा होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम. एंड सर्टेन मूवमेंट्स, मूव आउट्स, ओल्ड स्कूल जो आपकी एडवर्टाइजिंग की, क्योंकि आपको एडवर्टाइजिंग में एक सर्टेन तरीके से बोलना होता है. सो और दूसरी बात ये थी, अब मेरी ऑडियंस बहुत वाइड थी. मुझे इंटेलेक्चुअल्स को भी बात करनी थी. मुझे मासेस, बट ये मैसेज ऐसा है कि मुझे मासेस तक पहुँचाना था. सो उसको मैं इतना इंटेलेक्चुलाइज नहीं करना चाह रहा था कि लोग डर जाएँ और सुनना बंद कर दें. सो देन द आइडिया वॉज टू लेयर इट लाइक एन अनियन विद मैसेजेस. जिसको जितना एब्जॉर्ब करना है वो एब्जॉर्ब करके निकल जाए. अगर किसी को टॉप लेवल पे रहना है तो वो टॉप लेवल को ले और खूबसूरत विजुअल्स, इंटरेस्टिंग म्यूजिक, इंटरेस्टिंग कटिंग के साथ एक इंजॉयमेंट लेके 5.5 मिनट में चला जाए. बट एक बेसिक मैसेज तो उसको भी समझ उसको भी समझ आ जाए. उसके अगले लेवल पे थोड़ी सी लेयरिंग की उसके लिए जो थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहता है. मेरी फाइनल लेयरिंग उस बंदे के लिए होती है जो रिपीट वैल्यू पे ये चीज़ देखना चाहता है. जो दूसरी दफ़ा ये चीज़ देखे या तीसरी दफ़ा चीज़ देखे तो कहे ओह अच्छा ये था, मैंने ये भी नहीं किया तो ये भी था, मैंने अब इसको ज़्यादा मैं एंजॉय कर. बिल्कुल. अब मैं इसकी आपको सेकंड व्यूइंग और थर्ड व्यूइंग के एग्जांपल्स बताता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल सिकंदर का जो कैरेक्टर था वो आगे उसको बोलता है माइंड हैव यू लॉस्ट योर माइंड, जब गुस्से में आता है और चढ़ता है. अगर आप शुरू में देखें तो वही बात रिपीट हुई थी. अगर आप वो शुरू में भी जब हम अच्छा मैं एक माहिरा की भी ये ख्वाहिश थी, मैशन की ये ख्वाहिश थी कि हम थप्पड़ दिखाना नहीं चाहते थे या हाथ उठाना दिखाना नहीं चाहते थे. मेरा सवाल है उस पर मैं आऊँगा. सो देन बट मुझे ये एक पैटर्न बताना था कि ये एक पैटर्न होता है. टॉक्सिसिटी का जो पैटर्न होता है ना, ये एक दफ़ा नहीं होता. जो लोग डोमेस्टिक अब्यूज़ करते हैं वो बार बार करते हैं और उनका वो पैटर्न रिपीट होता है. वो उसी तरीके से आपको आपको हर्ट करते हैं और फिर अपॉलोजी हर दफ़ा ग्रैंड से ग्रैंड होती जाती है, राइट? और आप उस अपॉलोजी में पिघल जाते हो और माफ़ कर देते हो, लेकिन वही चीज़ रिपीट होती है. इसलिए मैंने उसी चीज़ को शुरू में, अगर आप सुने हैव यू लॉस्ट योर माइंड, उसने बोला वो एक हरकत है जो कि एक प्रेफेस है या एक
प्रोलॉग कहूँ मैं फिल्म का, जो मैंने एक छोटा सा 3-4 सेकंड का दिखाया और फिर फिल्म में गया मैं, ये आपकी अटेंशन लेने के लिए भी था, मौजू बताने के लिए भी था कि हमारी डिस्कशन का आज मौजू क्या होगा. और सो वही चीज़ रिपीट होती है कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ द वोकल्स. जब वो उसको फाइनली गुस्से में आता है, कहता है वो जब बात कर रहा होता है और शादी तोड़ने की बात करी थी, और वही चीज़ रिपीट करता है, माइंड हैव यू लॉस्ट योर. अब वो माइंड पूरा बोलने वाला होता है तो उसको मायरा रोक देती है और वो कहती है नो. सो नाउ दिस नो वॉज ऑल्सो सिम्बॉलिक इन द सेंस के नो मीन्स नो, वन वॉज अ वेरी क्लियर. और मैंने उसको बहुत टिका के एक वाइड शॉट में गया और दिखाया कि हाथ यूं करके एक्सटेंड हुआ. सो दिस वॉज सिम्बलिज्म टू शो के गिव मी सम स्पेस. And no, using that no was an answer to his question that I have not lost my mind. Yes. If anything, I found my mind. Yes. अच्छा वो बोलती नहीं लेकिन उसके चेहरे के expressions ही हैं. Yeah. Yes. But at the same time, I just wanted to her to say no. मैंने कहा था मायरा इससे ज़्यादा नहीं बुलवाऊँगा मैं, क्योंकि एक throughout आपके दिमाग में होता है no means no वाली बात आपने सुनी है. True. So I wanted to hit at that कि no means no. Finally being able to say no and saying no to what he was saying that have you lost your mind. सो वो मल्टीपल चीज़ें कह रहा था नो, बट विजुअल के साथ मैं दिखाना चाहता था कि जस्ट हर पुशिंग इट हर हिम अवे एट दैट पॉइंट मेंट दैट ओके आई हैव हैड इनफ, यू नो. सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट सेकंड टाइम थर्ड टाइम जो देखेगा वो ये वाली लेयर्स देखेगा. सही कह रहे हैं कि अच्छा पहले भी उसने ये किया था, अभी भी वही किया, तो अच्छा इसका ये सेट पैटर्न था इंसान का, यू नो. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो अब वो डिफरेंट लेयर्स आप डिफरेंट लेवल पे करते हो, बट एट द एंड ऑफ इट जो सबसे ऊपर लेयर दिस हियर्स वेयर कमर्शियलिज्म कम्स, कि वो इतनी स्मूथ और इतनी एंटरटेनिंग विजुअली खूबसूरत हो कि एक बंदे को अगर लेयर्स में नहीं घुसना और वो ऊपर ऊपर से देख रहा है तो उसको भी एक आपका मौजू समझ में आ जाए आपने बोला क्या है. ठीक है, और इसलिए मैंने गुफ्तगू का जो अंदाज़ था वो बड़ा बेसिक रखा था. जैसे फादर जो हैं एंड में बोलते हैं कि मेरे क्रिकेट के कोच कहा करते थे. अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात है, शुरू में जब मैंने बहरोज साहब को पहली दफ़ा एक रनिंग शॉट में इंट्रोड्यूस किया तब भी वो जो बात कर रहे हैं दोस्त से आप सुनिएगा, वो कहते हैं और फिर मैंने मारा छक्का, वो ये कह रहे हैं, राइट. एंड एट दी एंड जब वो आके क्रिकेट का रेफरेंस देते तो आपको पता है यार ये क्रिकेट के शौकीन थे, यू नो. सो दीज आर द लेयरिंग्स दैट आई लाइक टू डू. सेकंड टाइम जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा इसने ये लेयरिंग की हुई थी. खैर, वो इतने बेसिक अंदाज में आके उससे बात करते हैं कि मेरे क्रिकेट को. अब इसकी भी एक वजह थी, वो वजह ये थी जो मर्द हैं, जो फादर्स हैं, वो इतने इमोशनल, मर्द इमोशन से डरते हैं पाकिस्तान में, तो वो कभी भी आपसे डायरेक्ट इमोशनल बात नहीं करेंगे. मुझे अगर आपसे आके इसेंशली भरोसा, वो अपनी बेटी को क्या कहना चाह रहे थे उस पॉइंट पे कि बच्चे मुझे पता है तुम बहुत गम में हो लेकिन परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और ज़िंदगी तुम्हारे आगे पड़ी हुई है, अभी बहुत ज़िंदगी बाकी है और भी बहुत लोग आएंगे. सो जस्ट काम डाउन, जस्ट रिलैक्स. बट एक फादर है, पाकिस्तानी फादर है, तो वो डायरेक्ट बात तो कर नहीं सकता. तो यही बात वो कैसे करे, तो मैंने दिखाया भैरव साहब आते हैं, वो उसको देखते हैं, वो खुद भी थोड़ा स्ट्रगल करते हैं और फिर घुमा के लाते हैं बात कि मेरे क्रिकेट के कोच हमेशा कहा करते थे कि गलत बॉल पर कभी शॉट नहीं मारना चाहिए, और उसके बाद उसको देख के कहते हैं वेल लेफ्ट मेरी जान, वेल लेफ्ट. सो नाउ इसके 2-3 रीजंस थे. एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मुझे एक सच्चा फादर दिखाना है पाकिस्तानी, जो इमोशंस पे आते हुए डायरेक्ट कभी नहीं आ सकता. ठीक है, बट हैविंग सेड दैट, वो एक इस अंदाज में बोले जो कि पूरी आवाम रिलेट कर सके. खान साहब ने इस डायलॉग को इतना फेमस कर दिया है वेल लेफ्ट वाला, कि मुझे पता था कि ये आई विल बी स्पीकिंग टू द मासेस जब मैं ये कहूँगा. गुफ्तगू को जानबूझ के मैंने उसको थोड़ा बेसिक किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम समझ पाए. अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके साथ मैं आवाम से बात कर रहा था, सो ऑब्वियसली गुफ्तगू भी वैसे होना ज़रूरी थी. सो एनी वे, सो दीज वर सर्टन things where I had restricted myself. Second thing was the pace. अब देखें, ये एक branded content है, फिल्म है, 5.5 मिनट में मुझे ये ख़त्म करना था. ये बहुत बड़ा मौजू है, right? शादी के दिन अगर एक लड़की आके बोलती है कि मुझे I'm scared. अब अम्मा पूछेंगी क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी एक नैरेटिव निकलेगा. वो सब तो मैं नहीं दिखा सकता, टाइम कम है. ब्रांड को छोटी चीज़ चाहिए होती है, क्रिस्प चीज़ चाहिए होती है. सो फिर उसकी माउंटिंग में मैंने वो फ्लैशबैक्स वाला एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया कि बोले बगैर, क्योंकि अब विजुअल इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स. आपको समझ आ जाए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ. सो ये रिस्ट्रिक्शंस थी कुछ. दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये थी कि टाइम कम था तो मुझे बहुत फंक्शनल डायलॉग रखना था कि एक लाइन में हर चीज़ का जवाब मिले. ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या था लोगों का कि शादी के दिन क्यों, राइट. और यही सवाल उसकी माँ भी पूछती है जब उसकी बहन बोलती है कि उन्होंने आप पे हाथ उठाया पर आपने पहले क्यों नहीं कुछ बोला. ये वो सवाल था. मुझे पता है मेरी सारी ऑडियंस बोलेगी कि यार शादी के दिन क्यों तुम्हें ख्याल आया. अब इसका वो जवाब देने वाली होती है तो पहले ही माँ जवाब दे देती है, जिससे आपको समझ आता है कि ये दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स जिसलिए
उसने अभी तक रोका हुआ था कि माँ कहती है कि रिलेशनशिप से तो ऐसा हो जाता है ना, बारात आ चुकी है राइट. सो अब अगेन मैं इस बात को रिइटरेट कर रहा था कि यार आज के दिन क्यों, बारात पहुंच गई है अब तो ना करो, यू नो सर पे इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आ गई है. और सेकंड चीज़ मैं क्या बोलना चाह रहा था, वही रीज़न देना चाह रहा था जिसकी वजह से वो आज तक चुप थी, क्योंकि उसको भी एक बात का खौफ था कि यू नो ये तो होता लोग रहता क्या है कहेंगे और ये होता रहता राइट. सो उसने भी जवाब में यही बोला, अगेन एप्ट सीधा मायरा का जवाब था कि क्योंकि मैंने भी यही सोचा था कि रिलेशनशिप्स में तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि आज तक, अब मैं इसके थ्रू क्या क्या बता रहा हूँ कि हमारा ऑलरेडी अवाम का ये हमारा एक नॉर्म है कि हम बच्चों को ये समझाते हैं यार थोड़ा बहुत तो सह लिया करो, कुछ नहीं होता, ये तो होता रहता है, ये तो मैनेज रिलेशनशिप मैनेजमेंट है. तो उसने वो एक लाइन में आपको अपना पूरा सोशल नैरेटिव बताया कि मेरी सोसाइटी में ये सोच है कि इतना तो होता रहता है, चलता है यार. फिर वो टर्न करके जब अपनी माँ को देखती है और वो ब्रेक डाउन करती है, तब वो अपनी जस्टिफिकेशन देती है कि लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना. एंड दैट वॉज माई आंसर टू ऑल ऑफ दोज थिंग्स कि या आई नो ये हमें सिखाया गया है आज तक, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड दैट इज़ व्हाट शी इज़ फीलिंग एट दैट डे. उसके जवाब में ठक करके अगला पैंतरा लगाती हैं. एंड अम्मा जो है मेरी यहाँ पे विलेन नहीं है, नहीं, वो एक नॉर्मल औरत है कि उसको, जिसको शायद बैरो साहब अच्छे हस्बैंड थे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, बट उन्होंने ड्रामों के थ्रू, लोगों से बातचीत के थ्रू, इर्द गिर्द के मसाइल के थ्रू, उनको हमेशा ये बताया गया है कि रिलेशनशिप्स में ऐसा हो जाता है, मैनेज करना पड़ता है थोड़ा बहुत. वो आगे से बोलती हैं कि पर बेटा अगर बारात वापस चलेगी तो लोग कहानियाँ बनाएंगे. सो दैट वाज द सेकंड थिंग कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहानियाँ बनाएंगे, इज्जत का मामला आ गया. उस पर माहिरा का मैंने रिएक्शन दिखाया कि वो सुनती है और फिर वो चुप कर जाती है, क्योंकि अब क्या एट प्ले है, माहिरा का एक वो पाकिस्तानी लड़की है तो उसके सारे वो बैगेजेस आ गए हैं कि मैंने अपनी ख़ानदान की इज्जत बचानी है, मैंने तो 3 सेकंड के रिएक्शन में मुझे वो सब जस्टिफिकेशन देनी थी कि वो जो फाइनली अपने लिए आवाज़ उठा रही थी उसकी आवाज़ बैठ जाती है ये बात सुन के कि ख़ानदान की इज़्ज़त, मेरी फैमिली का नाम, मेरी वालदा का नाम, इन सारों के इश्यूज़ मेरे लिए अपने इश्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो सिम्बॉलिकली मैंने दिखाया कि वो आँख उठा के आँखों झुका लेती है. सो दैट इज़ हर रेजिग्नेशन टू दिस थाट. एंड वेन शी इज़ रिजाइन दैट्स व्हेन द फादर कम्स इन एंड द फादर सीज दिस एंड शी सेज़ कि लोग कहानी बनाएंगे भी और सुनाएंगे भी, कहेंगे कि हिम्मत वाले बेटे की, माँ बाप की बहादुर बेटी. अब ये फंक्शनल डायलॉग है, एक तो वो अपनी बीवी को भी जवाब दे रहे हैं, माहिरा को भी जो हिम्मत दे रहे हैं उसके थ्रू वो माहिरा को भी हिम्मत दे रहे हैं, बीवी को भी जवाब दे रहे हैं, और एट द सेम टाइम आवाम को भी ये बात बता रहे हैं कि यार बीवी को भी ये कह रहे हैं कि हम मुझे तुम्हें भी सेलिब्रेट करेंगे लोग कि हम इतने सपोर्टिव माँ बाप थे, सिर्फ उसको नहीं सपोर्ट करेंगे. सो दिस वॉज एन आंसर टू द पेरेंट्स, to the character Mahira, that was Mahira playing, and the audience at large. Yeah. So why I'm telling you all of this is that मैंने बहुत सोच के, मैं बहुत कंजूसी से अपने dialogues use कर रहा था. मैंने अपने आप को बोला था कि मैं बहुत कंजूस हूँगा dialogue के साथ. Minimum dialogue के साथ maximum चीज़ें बोलूँगा. True. And you managed. You were successful in that, I think. जो चीज़ मुझे एक तो सबसे पहले thank you. I'm very sorry. मैं थोड़ी honest बात करती हूँ. हमेशा हमें मल्टीफॉर्म के एड्स में ना वो गंदा विदाउट चादर नजर आता था, तो हम कहते थे कौन कमिंग ऑफ एज हो गई ना, वो गद्दा ढक गया फाइनली. तो इट वाज सो नाइस दैट यू डिड द ब्रांडिंग और उस पे चादर आती है. आई लव्ड इट, आई नोटिस दैट पॉइंट एंड आई वांटेड टू अप्रिशिएट इट कि भाई करें ब्रांडिंग, बट ये ब्रांड को अप्रिशिएट करें आप. देखें ये ब्रांड की कमिंग ऑफ एज भी है ना. यस वो भी है, बट आई थिंक जो लोग कर रहे होते हैं उनको भी, उनका भी जाता है. इतने सालों के बाद पहली दफा किसी ने गद्दे पे चादर, चलिए दोनों को भाई जो भी है, आई वाज जस्ट सो हैप्पी टू सी दैट बिकॉज़ वो बहुत अचीवमेंट है, मेरी भी अचीवमेंट है, उनकी भी अचीवमेंट है. आंखों को चुभता था ये कौन घर में बगैर चादरों के गद्दों पे बैठा होता है. खैर सेकंड थिंग, आई एम जस्ट लविंग वॉट यू आर टेलिंग मी एंड दैट्स द रीजन आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट, नॉट जस्ट फॉर ऑडियंसिस बट ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं कि आप इस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को, ये थॉट प्रोसेस है. लेकिन आपकी जो वीडियो है शहरयार, उसमें एक मैसेज नहीं है, ये सब जो आप बात कर रहे हैं उसमें 4-5 मैसेजेस हैं. बहुत सारे. आई एम क्यूरियस कि हाउ डिड यू रीच ऑन दीज 4-5 पॉइंट्स कि मुझे ये भी कहना है, ये भी कहना है. एंड सॉरी मेरा सवाल लंबा है. मुझे लगता है कि हम ये बात तो करते रहे अब तक, अब्यूज़ होता है, अब्यूज़ होता है, बट योर वीडियो मेड मी रियलाइज कि वी नीडेड टू, हमें दूसरे स्टेज पे जाना था जो आपकी वीडियो ने किया, विच इज़ टू से भाई सोल्यूशन क्या है. सोल्यूशन ये है कि माँ बाप बहादुर उस पर बात करें. सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड क्या हुआ आसपास, क्या देखा, क्या प्रोसेस हुआ कि आपने वो स्टेप लिया, आपने दिखाया कि सिर्फ अब्यूज़ नहीं, यू आर एक्चुअली टेकिंग पीपल ऑडियंसेस को दूसरे लेवल पे कि पता है अब्यूज़ हो रहा है बट अब ये करना है हमें, दिस इज़ व्हाट्स द सोल्यूशन. कुछ चीज़ें इस पे आए ऐसे कि कोई भी टॉपिक पे जब आप बात करने वाले होते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसके बारे में सोचूं
और उस टॉपिक को लेके ये सोचूं कि इसके बारे में मैं क्या क्या बोलना चाहता हूँ, व्हाट कैन आई, व्हाट ऑल इज देयर दैट आई थिंक नीड्स टू बी आंसर्ड, और मैं वो सवालात लिखता हूँ अपने लिए. जैसे मैंने आपको बताया कि ये मुझे पता था ये सवाल भी आएगा, ये सवाल भी आएगा, एंड देन आई ट्राई टू आंसर दैट एज क्विकली एज पॉसिबल. जो मेरी अपनी लिमिटेड सोच में मुझे लगता है कि सही जवाब है उसका. मैं आपको बताऊँ, ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होगा. मैं ये नहीं कहता कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सबसे सही होगा या नहीं होगा, बट मैंने जैसे कहा मेरी अपनी लिमिटेड सोच में ये मेरा जवाब थे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद जैसे ही हम उसी फिल्म देखते हैं कि जब वो बता देती है सबको और उसके फादर उसको सपोर्ट करते हैं, जो भाई का रिएक्शन आता है वो मैं दो शॉट्स में कवर करता हूँ. कि मैं टाइट शॉट पे आता हूँ और साउंड डिज़ाइन से गरज की आवाज़ आती है, गड़ 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 गड़, और वो हाथ जो है मुट्ठी में बनता है और भाई जा रहा होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली विजुअल के थ्रू समझ आ जाता है कि अब ये पीटने जा रहा है उस मर्द को, ठीक है. बट फादर रोक लेता है और कहता है नहीं, ये माइंड की अपनी जंग है लेकिन हम सब उसके साथ हैं, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट यू कम्युनिकेट, दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट मैसेज, क्योंकि भाई जो होते हैं ना, उनको लगता है कि मेरी बहन पे हाथ उठाया मैं जाके उसका मुंह तोड़ दूंगा. वायलेंस इज नॉट द आंसर, यू कांट डील विद वायलेंस, क्योंकि फिर आप में और उस शख्स में कोई फर्क नहीं रहा. सो एक तो ये वजह थी. दूसरी बात ये थी कि अगर आप उसके लिए बहन के लिए लड़ेंगे तो वो अपने लिए कब खड़ी होगी, यू नो, आप उसको हिम्मत कब दोगे? उसको तो ये लगेगा कि जब भी मेरे ऊपर मसला आएगा मैं भाई के पास आ जाऊँ या बाप के पास आ जाऊँ. क्यों? वो खुद की नहीं खड़ी हो सकती अपने लिए. सो वो दो जवाब देना मुझे बहुत ज़रूरी था कि एक आपको एक खातून को एम्पावर करना है कि वो अपने लिए खुद खड़ी हो सके. इसलिए मैंने मायरा को बताया था कि मायरा, यू नो, हमेशा इस तरह की फिल्म वीडियोज़ में दिखाता है कि रैंडमली लड़की खड़ी हो जाती है और कहती है कि बस बहुत हो गया. नहीं, मैंने कहा असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता मायरा. हर लड़की वो है वो जो मीक लड़की है. देखें, एक डोमेस्टिक, एक वायलेंट रिलेशनशिप में एक औरत क्यों होती है? सिर्फ खौफ की वजह से नहीं, प्यार की वजह से. उसको इतनी वो अपने अब्यूज़र से मोहब्बत करती है, वो इतनी मोहब्बत. आप देखें नूर मुकदम की हमने वीडियोस देखी, जब वो हमने बाद में सीसीटीवी की वीडियो देखी, वो जब बाहर जा रही होती है गार्ड के सामने, तो उसको आके उसको पकड़ता है, उसको खींचना नहीं पड़ा, वो खुद वापस उसके अंदर चली जाती है. क्यों? क्योंकि नॉट दैट शी वॉज अफ्रेड, वो अपने अब्यूज़र से मोहब्बत करती थी. दैट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. सो मायरा के कैरेक्टर में मैंने समझा था, मायरा तुम इस लड़के से मोहब्बत करती हो, मरने वाली, इसीलिए तुम इसकी वायलेंट बिहेवियर को बर्दाश्त करती आई हो. इसीलिए जब तुम उसे मना करोगी और निकलोगी तो तुम टूटोगी, क्योंकि तुमने एक मिनट हिम्मत की तो दिखा दिया, लेकिन उसके बाद जो तब तुम टूटोगी और स्पेशली वो तुम्हें आवाज़ मारेगा माहीन, क्योंकि हमेशा अब्यूज़र ये करता है, आपको वापस खींचता है. सो ये वो नूर मुकदम की वो वाला पकड़ना था जो मैंने ये आवाज़ में दिखाया था कि वो फिर से उसको आवाज़ मारता है माहीन, और उस आवाज़ पर वो रुक जाती है वहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन, और उसके अंदर वो सारे इमोशंस जागते हैं कि हाउ कैन आई लीव दिस मैन, आई डोंट नो लाइफ विदाउट दिस मैन. But it is just at that moment where she was about to look back and she got that courage and she looked forward and she walked off. And I wanted to, and I explained to Mara, I said, you know, this is just a split second that will convey so many emotions and so many other things that, you know, it is just, it doesn't take a brave woman to stand up. It just takes momentary courage. Just in that moment, if you can be courageous, you don't have to be brave throughout your life. अगर मैं उसका कंपैरिजन करूं, एक और एक फिल्म आई थी थप्पड़ इंडिया से, जो कि एक सेम मौजू पे थी कि बस वो कहती है बस थप्पड़ कैसे मारा, नहीं होना चाहिए था. सो उससे मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ था, क्योंकि इख्तिलाफ ये था कि एक दिन में स्विच नहीं चेंज होता, और एक दिन में अगर स्विच चेंज भी होता है, एक इंसान अपने आप को एक दिन में नहीं बदल सकता. तो एक मीक औरत से एक थप्पड़ के बाद आप वो औरत नहीं बन जाती हो जो खड़े होकर बोले कि बस नहीं, अब तो कुछ भी नहीं, नथिंग डूइंग. क्योंकि टूटती है, वो इंसान टूटेगा, वो औरत टूटेगी, वो नो बोल देगी एक सेकंड ऑफ करेज में, बट जैसे ही मुड़ेगी वो टूटेगी, और बार बार टूटेगी जब तक वो गिरेगी उठेगी, गिरेगी उठेगी, और फाइनली जाके ऊपर पहुंचेगी. सो उस फिल्म से ये मेरा नैरेटिव डिफरेंट इस तरीके से है कि मेरा कैरेक्टर डिफरेंट है, मेरा कैरेक्टर ज़्यादा रियलिस्टिक है आई फील, बिकॉज एक औरत जो इतने सालों से उस एक रिलेशनशिप में रह रही हो जहाँ पर वो सह रही हो, तो वो एक दिन में वो खत्म नहीं कर, इमोशनलेस औरत नहीं बन सकती. एक औरत से आप इमोशंस उसके नहीं छीन सकते किसी भी हाथ में. इमोशन रेप्लिकेट हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं, बट छीन नहीं सकते. वो मोहब्बत कभी नफरत बन जाती है, और नफरत भी जो होती है ना, इट्स नॉट द एब्सेंस ऑफ लव आई फील, इट इज जस्ट अ रिस्पॉन्स टू इट. देयर इज स्टिल केमिस्ट्री एंड फीलिंग्स देयर. आई फील इग्नोरेंस, द पॉइंट इज बीइंग इग्नोरेंट, और नॉट इवन इग्नोरेंट,
द पॉइंट इज बीइंग चिल. तो उस तक आने में ना इमोशंस को बहुत टाइम लगता है. सो मेरा इख्तिलाफ उस वाले नैरेटिव से ये था. दूसरा मेरा इख्तिलाफ ये था कि सिर्फ मेरी लड़की हीरोइन नहीं थी यहाँ पे, मुझे पेरेंट्स से बात करनी थी. इसलिए मैंने मेरे हीरो हीरोइन जो थे वो पेरेंट्स थे. छोटे छोटे जवाब हैं. अम्मा ने क्या कहा था कि लोग कहानियाँ बनाएंगे. जैसे ही वो माहिरा छोड़ के जाती है और वो लड़के की शक्ल पे मैं आता हूँ, सिक्की की शक्ल पे, उसके बाद काट के मैं माओ के शॉट पे आता हूँ. माओ का शॉट आता है तो वो हुमा जी का जो कैरेक्टर जो डरा हुआ था कि लोग कहानियाँ बनाएंगे, वो उसी खौफ से अपनी होने वाली जो समधन होने वाली सिक्की की अम्मा उनको देखती है. और रादर देन कि वो सिक्की की अम्मा कहानी बनाए, वो बल्कि आंखें झुका लेती है अपने बेटे के बिहेवियर पे. एंड दैट इज़ वेयर हुमा जी ऑल्सो गेट्स अ रिस्पॉन्स कि यार वो तो लोग शर्मिंदा होंगे, वो क्या कहानियाँ बनाएंगे. सो हर चीज़ जो हमने मौजू उठाया था उसका कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश किया. वहाँ से काट के जब मैं आता हूँ तो आप देखें मैंने दो बच्चों की एक पैरल स्टोरी चलाई थी. यस, आई वांटेड टू आस्क दैट. एक वो लड़की लड़का लड़की वो शुरू में लड्डू वड्डू में दोस्ती, क्योंकि अक्सर शादियों पे आपकी साइड रोमांसेस भी हो रहे होते हैं ना. सो दिस वाज सिंबलिज्म दैट आई वांटेड टू डू साइड पे दिखाने के लिए. एक तो एक इमोशन भी मैं खींचना चाह रहा था लोगों से उस पॉइंट पे कि वो बच्चा भी गम से देख रहा है और वो बच्ची भी जा रही है. बट फॉर मी ऑन अ लार्जर स्पेस इट वॉज द डिपार्चर ऑफ इनोसेंस कि इस दिन इनोसेंस खत्म हो गया, इस दिन अकल ने प्रिवेल किया. सो वो बच्चे जो थे उनका जब डिपार्चर हुआ तो वो इनोसेंस खत्म हुई. एंड दैट वाज सिंबॉलिक फॉर मायरा लीविंग सिक्की एट दैट पॉइंट, बिकॉज उस दिन जो बचकानापन था चाइल्डिशपन वो खत्म हुआ और मेच्योरिटी आई और उसने अपने दिमाग से सोचा. सो ये एक छोटा सिंबलिज्म था, लेकिन जिसको इमोशनल चस्का चाहिए था वो बच्चों की कहानी पे देखे कहता हाय बच्चे रो रहे. सो यू नो वो लेयर्स पे आपको खेलना पड़ता है. सो अगेन सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स. एक और बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुझसे जिक्र किया था. हाँ. कि जो आपने शेयर की थी कि जब वो आप मायरा को दिखाते हैं कि जब वो रैप अप कर रहे हैं शादी की चीजें तो शी सैड. जी. सो आई लव दैट पॉइंट दैट यू जब आपने वो मेंशन जी बिकॉज मुझे लगता है हमेशा जब भी हमने इस तरह की फिल्मों की बात की है, जो भी बात की है, हमने हमेशा हाइट हाई पॉइंट वाला दिखाया जहाँ पे लड़की अपने लिए नो करती है और उसके बाद की कहानी हमने कभी दिखाई नहीं. तो इसलिए मुझे लगता है एक आम लड़की जब भी वो वीडियो देखती है रिलेट नहीं कर पाती, क्यों कहती है हाँ वेरी नाइस, बट उसको पता ही नहीं आगे क्या होगा तो कहती है तो फैंटेसी वर्ल्ड है. तो मेरा मायरा और मेरी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे हुए कि मायरा ने कहा कहानी वहाँ खत्म हो जाती है शहरी, यू नो शी कॉल्स मी शहरी बट शी इज़ लाइक शहरी यू नो वी जहाँ पे मैं वो अंगूठी रख के निकल जाती हूँ वहाँ पे कहानी खत्म. मैं कहा नो मायरा when we fought for so मैंने कहा अच्छा मुझे शूट करने दो, उसके बाद तुम्हें ना पसंद है मैं निकाल दूंगा. शी इज़ लाइक वैसे ही टाइम बहुत कम है, दो दिन की शूट है, कैसे करेंगे ये वो. मैं कहा मुझे करने दो प्लीज़ लेट मी सी, बिकॉज फॉर मी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो एवरी गर्ल जिसने आज तक एक फिक्शनलाइज्ड वर्जन दिखाया है जिसमें एक लड़की दो मिनट में अपना कैरेक्टर बदलती है और खड़ी होती है और कहती है नो और आगे निकल जाती है. वो उसको अच्छा तो लगता है, एम्पावरिंग होता है, बट वो रियल नहीं होता, तो कभी दिल को नहीं छूता. मैंने एक वीक लड़की दिखाई जो उस मोमेंट में सिर्फ खड़ी हुई, जिसको रियलाइज हो गया कि यार नहीं मैं प्यार तो इस इंसान से बहुत करती हूँ और आगे करती रहूँगी, शायद पता नहीं कितने महीने लगे मुझे प्यार करने के इस और इंसान से, लेकिन ये मुझे मार देगा यू नो. एंड एट सम पॉइंट आई हैव टू डू दिस टू माई फॉर माई सेल्फ. वो अंगूठी रखती है, आगे निकलती है और वो फिर से आवाज़ मारता है और वो फिर पिघलती है और वो फिर मुड़ने वाली होती है और उस पॉइंट पे करे जाता है जब वो कहती है नो नथिंग डूइंग और वो निकलती है. और उसके बाद जब मैं आता हूँ वापस तो आप जब ट्रैक इन कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मैंने आसमान का शेड ऐसा दिखाया जिससे आपको लग रहा है सुबह हो गई और चीची चीची की आवाज़ आती है. सो मैं ये दिखाना चाहता था कि वो गम की रात गुजर गई. फैज साहब क्या कहते हैं कि ऑन द कॉन्ट्री वो क्या कहते हैं वसल की रात आ भी गई, वसल की रात क्या है उनका शेर. सो खैर वो कहते हैं कि द नाइट ऑफ सेपरेशन इज ओवर और अब मिलने सुबह मिलने की सुबह शाम आ गई. ऑन द कंट्री मैं उसका फ्लिप दिखाना चाहता था कि मिलने की जो दिन था रात वो खत्म हो गई, आपने वो ब्रेकअप कर दिया एंड दैट बिग हैवी नाइट खत्म हो गया, स्टॉर्म खत्म हो गया, अब अगली सुबह है, कामनेस आ गई, अगली सुबह है, अगली रोशनी है. बट मायरा के मुंह पे अभी भी वो एक अफसोस है क्योंकि उसने अपनी शादी को पैकअप होते हुए देखा है. एक औरत एक लड़की स्पेशली चाहे वो जितनी भी इंडिपेंडेंट हो वो हमेशा से अपनी शादी के बारे में सोचती है कि मेरी शादी होगी तो कैसे होगी, मैं ये जोड़ा पहनूंगी, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, यू नो मेरा होने वाला शौहर मुझसे ऐसे बात करेगा, मेरा हाथ ऐसे पकड़ेगा, यू नो मेरे सारे उन्होंने अपने अपनी शादी का साउंड डिजाइन भी अपने दिमाग में गाना सोचा हुआ होता है. एंड टू बी एबल टू स्टैंड देयर इन द विंडो एंड सी मेरी ही शादी की गेस्ट वापस जा रहे हैं, मेरी ही शादी के सीटें समेटी जा रही हैं, टेबलें बंद हो रही हैं, आप सोचें वो लड़की क्या गुजर रही होगी उस पर उस वक्त. सो ये सेकंड धमाका मैं फोड़ना चाह रहा था मायरा के ऊपर. एंड
एट दैट पॉइंट इज वेयर द फादर नीडेड टू कम इन, क्योंकि हाँ सपोर्ट तो कर ली बट आपकी आपकी सपोर्ट वहाँ ख़त्म नहीं होती बिकॉज ये रिहेबिलिटेशन है. वो एक टूटे हुए विंग वाली चिड़िया है ना अब, सो उसको एक ईगल भी होती है, एक पावरफुल चीज़ है, यू नो, एक शाहीन, एक पावरफुल. हमेशा हमने सिम्बॉलिकली पोइट्री में उसको सिम्बल ऑफ पावर फ्रीडम दिखाया है, यू नो, इकबाल साहब शायरी में हमेशा कहते हैं. तो बट उसका भी जब पर टूटता है तो उसको रिहैब की ज़रूरत होती है, तो वो रिहैब केयर गिवर देता है, एंड दैट इज़ वेयर द फादर कम्स इन एंड ही सेज दैट वेरी स्वीटली दैट यू नो इट्स ओके, देयर इज मच मोर for you to live for, look forward to, and that's when the entire family comes in and gives her comfort and support. Not to say that she's weak, but बड़े से बड़ा तीस मार खान भी उसको सपोर्ट चाहिए होती है जगहों पे, एंड दैट वाज माय सेकंड पॉइंट दैट यू नो आपने उधर तक सपोर्ट कर दिया ठीक है, बट इससे कहानी ख़त्म नहीं होगी. अगले कुछ महीनों तक, कितने टाइम तक इसको, कुछ ऐसी रातें आएंगी जब वो कमज़ोर पड़ेगी, रात को रोएगी, यू नो, परेशानियाँ होंगी. You know, you, as parents, as siblings, you will have to understand all of that, and you will have to be there for her. जब तक वो फिर से अपने पर हिलाना शुरू करे और वो अपनी परवाज पकड़े. So. No, I just loved all these ideas, and I think they are so important. जो आपने सारी बातें की हैं, it's a process. जब domestic abuse होता है वो एक process होता है, उससे निकलने का एक process है, उसके बाद survive करने का एक process है, जो हम लोग नहीं समझते हैं. हमारे यहाँ बड़ा आसान है चीज़ें कहना, लेकिन आपने उन सारे points को बड़े अच्छे तरीके से किया, एंड आई रियली होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज पहुँचा हो, बिकॉज इट्स सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टू टॉक अबाउट इट. एंड ये कि फैमिली की सपोर्ट इज़ दी मेन थिंग, तभी तो रहेगी, क्योंकि झिझक खत्म होगी तो हम उसको रहेंगे. देखिए, एक चीज़ मुझसे रह गई है जो मैंने इसमें नहीं कवर की है, जो कि मुझे लगता है दैट इज स्टिल रिमेनिंग एंड दैट इज समथिंग आई वुड एट सम पॉइंट टॉक अबाउट, बट आई थिंक वो थोड़ा प्रिंस चार्मिंग में कवर किया था हमने, बट अगैन वो ओपनली कवर नहीं हो पाया, विच वॉज वी स्पोक अबाउट फिजिकल वायलेंस, वी हैवन स्पोकन अबाउट गैस लाइटिंग, इमोशनल अब्यूज, विच इज which is so much more common than physical. True. होता क्या है कि because just because हाथ नहीं उठाया जा रहा होता तो आपको लगता है कि नहीं तो बड़ा अच्छा लड़का है क्या, या फिर and here मतलब मैं बहुत सारे लड़कियों के लिए भी कहूँगा, and you know we've all been there, I've been in a bad relationship as well, जहाँ पे ख़वातीन भी बहुत जुल्म करती हैं मर्दों पे, बहुत जुल्म करती हैं, आपको नहीं पता. मसला ये है कि पाकिस्तानी मर्द जो है ना उसको इजाज़त नहीं है रोने की. आप बचपन से उसे बोलते हो मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है. जब मर्द को दर्द नहीं होता ना और मर्द रोता नहीं है तो फिर मर्द बहुत बड़ा जानवर बनता है और फिर वो पीटता है अपनी बीवी को. सो यू नो क्योंकि उसके अंदर इतने रिप्रेस्ड इमोशंस होते हैं. सो हम अपने बच्चों को बचपन से ही, माएँ जो हैं वो और बाप जो हैं वो आर फिलिंग देम अप फॉर दैट. और अगर 50% बचपन में उसके इमोशंस रिप्रेस नहीं हुए तो बाकी 50% जो है वो बीवी रिप्रेस करती है. कि वो कहती है क्या हो गया भाई, डजंट मैटर, जॉब चलेगी तो क्या हुआ, मर दो भाई, खड़े हो जाओ, जाओ दूसरा करो. यू नो देयर सो मच बैगेज ऑन अ मैन एंड अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन फॉर हिम टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, जो फिर इस, जो कि मैं ये नहीं कह रहा सही बात है कि इस तरीके से निकलनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे निकलती है अनफॉर्चुनेटली. फिर इसलिए वो जो फ्रस्ट्रेशन इस पॉइंट पे पहुंच जाती है कि वो फटने वाला होता है तो फिर वो ऐसे निकालता है. सो एंड देन इवन इन रिलेशनशिप्स, बिकॉज दिस विद मेन व्हेन देयर रिलेशनशिप दिस नैगिंग कि तुम्हें तो ये नहीं किया, वो देखो वो तो ऐसे ऐसे करता है, उसने तो अपनी बीवी को ये दे दिया, उसने तो अपने बच्चों को ये करा दिया, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, दैट्स इमोशनल अब्यूज ऑन अ मैन. बट वुमेन ऑल्सो गेट दैट इमोशनल अब्यूज अ लॉट एज वेल, जो सास भी करती हैं, जो हम अक्सर ड्रामों में एक बहुत डिफरेंट तरीके से दिखाते हैं, बट दैट इज इमोशनल अब्यूज. सास कह रही है कि यू नो वो देखो उसकी बीवी तो कितनी पतली है, तुम तो वो ये नहीं कह डरेगी कि तुम मोटी हो, वो दूसरी की तारीफ करेगी कि हार देखो कितनी अपने आप को फिट रखती है, कितनी पतली है, यू नो, सो इस तरीके की बातें करेगी. अब बेचारी खातून जो है वो सोच रही है यार मैं मोटी हो गई हूँ, उसको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएगा कि मेरे साथ मसले मसाइल हैं. सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी हैवंट कवर्ड. But I think it's okay. Next वाले में कर सकते हैं. Yeah. Slowly conversations. Yeah, I think this was very, very necessary it's right now. बहुत ज़्यादा confusion. आहिस्ता evolve होता है इंसान. But आपने इतनी interesting बात बोली, क्योंकि मैंने आपने मेरे दो तीन सवालों के जवाब खुद ही दे दिए. मेरे अगले कुछ सवाल यही थे, क्योंकि जब भी हम abuse या relationships की बात करते हैं तो I don't want to just cover women. Definitely औरतों के साथ ज़्यादा होता है. They are उनको ज़्यादा जजमेंट्स भी फेस करनी पड़ती हैं, मुश्किल भी ज़्यादा होती है, बट आई फील मर्दों के साथ भी हो रही होती हैं चीज़ें. मर्दों के साथ बहुत होती हैं राबिया. आप कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मर्द जल्दी मरते हैं और ख़वातीन ज़्यादा लंबा जिंदा रहती हैं. आप देखें अक्सर जो बीवियाँ हैं वो आउटलिव करती हैं अपने हस्बैंड्स को.
क्यों मर्द जल्दी मर जाते हैं, हार्ट अटैक्स क्यों होते हैं उनको? प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मर्दों प्रेशर उतना ही होगा जितनी, मैं ही नहीं कहता औरतों पे कम प्रेशर है, औरतों पे भी बहुत प्रेशर है, लेकिन औरतों को इजाज़त है अपनी इमोशंस को निकालने की, रोने की, चीखने की, उनके पास इजाज़त है अपने दोस्त से बात करने की. मर्द जो है ना वो अपनी मर्दानगी में फंस के रह जाते हैं कि मैं तो उसके बारे में बात ही नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता. फिर होता क्या है, 50-60 साल की उम्र में हार्ट अटैक करके मर जाते हैं. यू नो द एवरेज एज ऑफ अ मैन इज मच लेस, पाकिस्तानी मैन इज मच लेस देन अ पाकिस्तानी वुमन. सो जब रिलेशनशिप ब्रेकअप होती है या कोई भी ट्रॉमा आता है तो फिर हम मर्दों को इजाजत नहीं देते ग्रीव करने की. आप देखें, हाउ डज इट इंपैक्ट देम किसी भी रिलेशनशिप में? अगर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखें पॉपुलर कल्चर में देखें, आप फिल्म्स देखते हैं, चिक फिल्म्स, चिक फ्लिक्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें लड़की का ब्रेकअप होगा तो वो 2-3 हफ्ते तक गम में होगी. उसकी दोस्त आ जाएगी रात को, वो रात को बैठ के रोएंगे, वो साथ आइसक्रीम खाएंगे, वो फिल्में देखेंगे, फिर रोएंगे. आपने ये सीन्स देखा होगा ह्यूमरस तरीके से, तो फेमस है, हंस रहे होंगे, फिर आइसक्रीम खाएंगे, फिर रोना शुरू कर देगी वो, फिर बात करेगी. क्वीन में मुझे बड़े मजे का लगता है जब वो फाइनली, दैट इंटायर फिल्म इज अबाउट हर गेटिंग ओवर ऑल ऑफ दैट गाय और पूरा ट्रिप. सो वो जब, नॉट जस्ट दैट गाय, अबाउट ऑल द प्रोसेस, तो वो जब इतना फेमस था कि वो रो के कहते हैं सारा लाइफ बर्बाद कर दिया, इतना नुकसान हो गया, कहते क्या है, कहती है मेहता जी तो सिगरेट भी नहीं पीते थे, उनको तो कैंसर हो गया. सो शी इज टॉकिंग अबाउट ऑल, वट इज दैट, दैट इज क्लोजर, दैट इज गेटिंग ओवर. सो खवातीन को हमने हमेशा इजाज़त दी है, चाहे पॉपुलर कल्चर, आप लोगों को एजुकेट कैसे करते हैं, लोग किताबें तो पढ़ते नहीं हैं, पहले लोग किताबें पढ़ा करते थे, तो जेन ऑस्टन पढ़ा करते थे, तो उसमें खवातीन को इजाज़त थी ब्रूड करने की. अब लोग ड्रामे फिल्में देख के करते हैं, तो खवातीन को हमने चाहे ह्यूमर से हो या जैसे हो, हमने वो इजाज़त दे दी है कि आप ऐसे रिएक्ट कर सकते हो, आप 2 महीने रो सकते हो किसी को, आप किसी को रो लो, अगर आप उस बंदे ने आपको छोड़ दिया तो आप उसको रो पीट लो, लेकिन 2 महीने में अपने सिस्टम से निकालो, तभी आप दूसरी शादी कर लो जाके, या फिर दूसरी रिलेशनशिप में चले जाओ, राइट, कि आपने उसको रो लिया इंसान को. मर्द को जब भी आपने क्लासिकली फिल्मों में देखा होगा, जब भी दिखाया है तो ये दिखाया है कि वो बैठा होता है, रिलेशनशिप टूटती है और आके सर आंख. एंड अभी एक आया था, क्या नाम था, बड़ी मज़े की फिल्म थी सोनू की, टीटू की, स्वीटी, आई लव दैट फिल्म. बट क्या होता है उसका ओपनिंग सीक्वेंस क्या होता है कि वो आके बैठा होता है, वो उसको फ़ोन करता है, किधर है तू, क्यों आया, क्यों नहीं, वो वहाँ पर जाता है तो वो वहाँ पर बैठ के रो रहा होता है और उसको वो पकड़ता है और कहता है चल, और ये क्या होता है, कहता है रो क्यों रहा है तू, तो मर्द है. नेक्स्ट सॉन्ग आता है बॉम्ब डिगी डिगी बॉम्ब बॉम्ब, गन लगा रहा आता है और सॉन्ग के बाद वो सही हो जाता है, सही हो जाता है. असल में ऐसे कहाँ होता है आप मुझे बताएं, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ. इफ आई गॉट आउट ऑफ रिलेशन, मुझे तो महीने साल कितना टाइम लगा टू गेट आउट ऑफ समथिंग. आप इमोशनली इन्वेस्ट करते हो किसी चीज़ में, आप जुड़ जाते हो, फिर आप डर जाते हो, आप फिर से चलने से डर, एक एथलीट की तरह है ना, इमोशंस भी तो वैसे ही हैं. आपको अगर इंजरी होती है तो 1.5-2 साल लगते हैं आपको रिकवरी, रिहैब करना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता, पहले आप चलना सीखते हो भागने से पहले, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो हमने अनफॉर्चुनेटली कभी मर्द को वो इजाज़त ही नहीं दी, ना हमने उसको विजुअली दिखाया है, ना हमने उसको नॉर्मलाइज किया है. एंड आई ऑनेस्टली फील दैट दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न, बट अ ह्यूज रीज़न ऑफ मेंटल हेल्थ इशूज एंड मैन बींग अब्यूसिव इज बिकॉज ऑफ दिस, इज रिलेटेड टू दिस, यू नो, बिकॉज हमने उसको बड़ा एफेमिनेट तरीका दिखाया है. मतलब आपकी सीधी बात, एफेमिनेट में नहीं कहूँगा, सीधी बात आपकी सेक्सुअलिटी पे आ जाती है. अगर एक मर्द तुम तो मर्द ही नहीं हो, हाँ, अगर एक मर्द औरतों की तरह रो रहे हो, हाँ, क्योंकि अगर एक मर्द अपने इमोशन से इंट्यून्ड है, वो बात करेगा तो उसकी, ही इज़ नॉट स्ट्रेट, उसकी सेक्सुअलिटी इज नॉट, और वो आप विजुअली फिल्मों में दिखा रहे हो, तो आप क्या एजुकेट कर रहे हो लोगों को? व्हाट आर यू टेलिंग देम? दिस इज, आई फील दिस इज वेरी स्टीरियोटाइपिकल बना रहे हैं सांचे जिसमें आप मर्दों को डालते जा रहे हैं. बिल्कुल, आई थिंक आप बहुत, यू आर डूइंग अ डिसर्विस टू योरसेल्फ. आई एग्री कंप्लीटली. जबकि राबिया, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तो अगर आप देखें, वुमेन आर मोर इमोशनली स्ट्रॉन्गर देन मैन, बिकॉज अगर एक अक्सर ये होता है कि अगर हस्बैंड मर जाता है तो एक औरत के अंदर वो कैपेसिटी होती है कि वो उसको रोए और उसके मोर्न करे और उसके बाद शी गेट्स ओवर इट, यू नो, शी मूव्स ऑन, शी सर्वाइव्स. मैंने देखा है जो विडोज़ होती हैं वो 10-10 साल जीती हैं अपने हस्बैंड की डेथ के बाद. अक्सर कभी कभार शादी हो जाती है उनकी सेकंड, जो इनलाइटेंड फैमिली से बिलोंग करते हैं वो दूसरी शादी करा देते हैं उनकी. मर्दों में मैंने देखा है, आप देखिएगा ज़रूर, कि अगर किसी एक मर्द की बीवी मर जाती है, वो 1.5 साल में वो मर जाता है. इट्स, आई हैव सीन इट अराउंड मी सो मेनी टाइम्स कि यू नो, उसकी बीवी मर गई, 1 साल बाद वो मर गया. क्योंकि मर्द तो इमोशंस को डील ही नहीं कर पाता, ही इज इमोशनली वीक. वो जितना ऊपर से बन रहा होता है कि मैं बड़ा तीसमार फन्ने खान, बट अंदर से ही इज सो वीक, यू नो. सो
I don't know the statistics, but I'm sure that suicides must be higher in places like Japan and all in men than women. I'm not sure. I don't want to quote on them, but logically, मुझे ये लगता है होना चाहिए. क्या आपको लगता है relationship में unrealistic expectations होती हैं मर्दों से? दो तीन. Which you would like कि maybe अगर ख्वातीन सुन रही हैं या मर्द भी सुन रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा change कर सकते हैं. Firstly, सबसे importantly जो मैंने आपको बताया कि ये unrealistic होती है, क्योंकि I've seen के बी ए मैन, एक बी ए मैन वाली जो जो होती है ना, वो बहुत एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर उसका कुछ हो भी गया, जॉब गो ऑन लाइफ, हाँ ज़्यादा वो नहीं, उसकी जॉब छूट गई या उसका कोई ड्रीम था जो कभी पूरा नहीं हो पाया ना कुछ हुआ, तो उसको उसके ऊपर बिकॉज वो बोझ है कि बच्चे भी पालने यार, अगर वो मौन करता रहेगा तो काम पर कौन जाएगा, बच्चों को कौन पालेगा. सो उसको ये होता है दो मिनट में जस्ट गेटअप यार, कि आप मर्द ही तो सामना करते हैं, डील करते हैं, कम ऑन बी ए मैन, कम ऑन गेटअप रन. No, if you were injured, you need to learn how to walk first. Then you need to learn how to run. So it's a process. You have to take people through that. It's okay. It doesn't make you any less of a man. Yeah. I think it makes you a stronger man to accept your emotions, because मर तो डरते हैं इमोशन से, वो भागते हैं उनसे. तो मुझे तो डरपोक ही लगी, मुझे तो वो ज़्यादा डरपोक होना लगा, मुझे तो वो खौफ लगा. मुझे तो लगता है मर्दानगी ये होगी कि एटलीस्ट आप खड़े होकर बोलो कि नहीं यार, मुझे टाइम चाहिए, आई हैव लॉस्ट, मेरा लॉस हुआ है, मसला हुआ है, बट कुछ नहीं होता. हाँ, आई एम सैड, आई कैन बी सैड फॉर 2-3 डेज, बट देन मूव ऑन, रादर देन जस्ट मैंने उठाया रग और मैंने स्वीप कर दिया. और 10 साल बाद जब वह मुझे थेरेपी की ज़रूरत पड़े कि यार, यू नो, 10 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था. और सो आई थिंक दैट इज़ वन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ मैन दैट इज़ देयर. सेकेंड, आई थिंक जेंडर रोल्स, और अगर हम इनलाइटनमेंट की बात करते हैं और हम कहते हैं कि ख्वातीन को हम इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, हम उनको एम्पावर करना चाहते हैं उनको, तो देन वेमेन शुड बी ओके विद वर्किंग एज वेल. सारा फाइनेंशियल लोड मर्द ही उठाए. अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, अगर आपको वो एक्सेप्टेंस चाहिए, आपको वो इज्जत चाहिए, आपको वो रुतबा चाहिए, आपको वो डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए कि मैं सिर्फ अपने घर की डिसीजन नहीं, मैं अपने डिसीजन भी ले सकती हूँ, मैं अपने ख़ानदान के भी डिसीजन ले सकती हूँ, तो भाई फिर आप लोड शेयर करो, फिर आप भी जाओ नौकरी करो, और नौकरी करो और बैलेंस करो, अपने घर को चलाओ. क्योंकि अगर एक मर्द भी काम पे जा सकता है और फिर एक बाप भी बन सकता है, तो एक औरत भी काम पे जा सकती है और एक माँ भी बन सकती है. इसका ये मतलब नहीं है कि मैं काम पे जाऊँ तो मैं एक एब्सेंटी मदर हूँ, क्योंकि ये बात तो हम मर्दों में भी इनकरेज नहीं करते ना कि वो इतना काम करे कि फादर नहीं बना, क्योंकि बच्चे फिर बिगड़ जाते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कि चाहे जो भी हो जाए, हम कहते हैं नहीं, एट द एंड ऑफ द डे काम तो लड़के को ही करना है, कमा के तो लड़के को आना है. और इतनी दफ़ा मैंने देखा है कि कुछ ख्वातीन जो काम करती हैं, जो ब्रेड विनर्स हैं, उनके हस्बैंड्स को बहुत अजीब तरीके से देखा जाता है. इवन एजुकेटेड वेमेन, इवन वेमेन जो बाहर से पढ़ के आई हैं, वो कहती तो है, लेकिन फिर वो अपने हस्बैंड को ट्रीट बड़ा अजीब से कर रही होती हैं. मैंने देखा है वो ख्वातीन जिनके बिजनेसेस हैं, जो ज़्यादा अर्न करी अपने हस्बैंड से, वो फिर बहुत बदतमी से अपने हस्बैंड्स का, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे इर्द गिर्द 4-5 ऐसी ख्वातीन हैं. एंड वाई, सो नाउ यू आर द मैन, सो यू कैन ट्रीट देम लाइक शिट. जिस मिनट आपको ताकत मिली तो आपने उसका अब्यूज करना शुरू कर दिया. इसीलिए हमें बैलेंस करके चलना है ना, आप में और वो जिसने आपने एक इमेज मर्द का बनाया हुआ था, उसमें कोई फर्क ही नहीं रहा ना फिर. क्योंकि जिस मिनट आपके पास पावर आई, तो आपने तो उससे डबल हंटर चलाना शुरू कर दिया. आप कंट्रोलिंग हो गई, आप डिसमिसिव हो गई, आप बदतमीज हो गई लोगों के सामने, बदतमीजी, क्योंकि उसने तो आपको लोगों के सामने बदतमीजी नहीं की थी, बट मैंने ऐसी ख्वातीन देखी है, क्योंकि जिस मिनट they are independent, they are running the show, then they feel open to talk to their husbands in whatever way they want. And I think that is an unrealistic expectation, because I think a relationship is based on respect, mutual respect. For me, it is, sorry, maine jis baat mein aake mic pe haath rakh liya. I think for me to be in a relationship, main whenever I've been in a relationship, mere liye bahut important hai ki jis bhi ladki ke sath main relationship pe ho, na ke main uski izzat karun, बट उसकी इज्जत माशरे में हो. लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मेरी जो कंपेनियन है, उसको लोग भी इज्जत करें, उसको पीपल लुक अप टू हर. मेरे लिए पर्सनली ये इंपॉर्टेंट, आप नहीं समझ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. मेरे लिए, सो आई एम श्योर कि ख्वातीन को भी होता होगा कि यार, हमारे हस्बैंड या हमारे यू नो कंपेनियन की रिस्पेक्ट हो माशरे में, लोग उसको सर उठा के देखें. नहीं, आई अंडरस्टैंड,
ना सिर्फ ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो बट यू वुड वांट कि आसपास के लोग भी उनको इज्जत की नजर से देखें, आप उनको टॉक ऑफ द टाउन या आप उनको एक मजाक का निशाना नहीं बना दें। हाँ। जब आप ऐसे अपने हस्बैंड को डील करेंगी तो सामने कोई कुछ बोले नहीं बोले, बाहर जाके तो लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और उनका भी, अरे वो तो बेचारा, लॉट ऑफ जजमेंट्स विल बी पास। सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। So that is my only thing, that if we're talking about equality and gender equality and roles, role balancing, then let it be just as equal as that. अगर कोई औरत ज़्यादा कमाती है तो उसको इस बात का कोई घमंड नहीं होना चाहिए या उसके इर्द गिर्द वाले लोगों को उसके लिए बुरा नहीं फील करना चाहिए। क्यों भाई? अगर I think it's very good. It's empowering. Actually, if you earn more than a man, it's good. It, I mean, I'm not saying it in the wrong sense, but I think it's a great idea. Why not? But then, फिर आपके अंदर की वो अच्छाई निकलनी चाहिए ना उस पॉइंट पे। आपका असली टेस्ट जो है उसमें होगा। वो कहते हैं ना एडवर्सिटी में टेस्ट नहीं होता इंसान का। It's in the good times that you're tested. तो अगर आपके आपने जैसे अभी जैसे आपके अंदर से अचानक रिएक्शन निकला ना कि इट्स वेरी गुड, तो अच्छी बात है, एम्पावरिंग है, बिल्कुल ये वाली फीलिंग है ना, तो फिर अपना बड़प्पन दिखाओ कि कभी उसको जिताओ नहीं। बट क्योंकि देखें इतने 100 सालों से तो मर्द अर्न करते आए हैं ना, और जो मर्द जताता है या फिर वायलेंट होता है या फिर अब्यूसिव होता है तो आप उसको गालियां देते हो, तो फिर आप भी वही करो। हमारे यहाँ मुझे लगता है ड्रामों में और स्क्रिप्ट में भी ऐसा अक्सर ऐसा होता है, हम लोग जो चीज़ें मर्दों के लिए नेगेटिव समझते हैं जब वो औरतें करती हैं तो हम उसको उस तरीके से नहीं रिएक्ट करते जितना हम मर्दों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। बट मैंने इतनी दफ़ा देखा है कि मैंने ड्रामों में ये देखा है कि वो खवातीन जो अर्न करती हैं या मर्दों से ज़्यादा बड़ा उनका एटीट्यूड दिखाते हैं, उनका हमेशा ये वाला एटीट्यूड दिखाते हैं कि वो डिसमिसिव है अपने हस्बैंड के साथ, व्हिच इज रॉन्ग टू से, ऐसा हर जगह नहीं होता, होता है बट हर जगह नहीं होता। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, हम ये चीज क्यों, ये नैरेटिव क्यों प्रीच कर रहे हैं, इस नैरेटिव को बदलना होगा। बिकॉज उससे होगा क्या कि जो खवातीन शायद ऐसे नहीं होंगी वो भी देख के कहेंगी हाँ ये तो नॉर्मल ऐसे ही होना चाहिए मुझे, तो मैं कमा रही हूँ तो टूट है। आर यू स्टिल राइटिंग नोट्स? आई जस्ट लिख रहे हैं क्या नोट्स शो नोटबुक्स और वो आप कलेक्ट करने का शौक है ना? जी मैं आई हैव नोटबुक्स एंड आई थिंक दैट्स वेयर इट कम्स। मैं बचपन से आई हैव बीन अ स्टोरी टेलर, कहानियां बनाता था दिमाग में बैठ के। तो वो जो लिख रहे होते थे लेटर्स भी आप पुराने किसी किसी स्पेशल को, उधर भी कहानियां लिख रहे होते थे वहीं से आया है। जी आई स्टिल राइट एंड आई एंजॉय राइटिंग एंड आई थिंक इट्स थेरेप्यूटिक। मैं जनरली भी एक जर्नल मेंटेन करता हूँ, दिन में रोज़ नहीं लिख पाता जबकि मैं अपने आप को रोज़ बोलता मैं लिखूँगा, बट कभी कभार जब वक्त कुछ ऐसा गुजर रहा हो जो ज़्यादा इमोशनली हैवी हो रहा हो तो मैं बैठ के दिल हल्का करता हूँ। वाओ, और फिर बाद में पढ़ते हैं कभी उसी चीज़ को? कभी पढ़ा नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है। बट कुछ चीज़ें होती हैं ना आपको अंदर से निकालनी होती हैं, बट कोशिश ये होती है ऑब्वियसली बिकॉज फिल्म मेकिंग का शौक भी है, तो वो जब मैं लिख भी रहा होता हूँ तो मेरा कोशिश होती है कि पोएटिक अंदाज में निकालूं। तो यू मस्ट शेयर इट, अगर पोएटिक अंदाज में निकालें इट माइट बी, बट होता है कभी कभार, लाइक फॉर एग्जांपल प्रिंस चार्मिंग जो मेरा कैरेक्टर था माहिरा का जो थी उसमें, आई वॉज गोइंग थ्रू दैट टफ टाइम एट दैट टाइम, सो आई कुड रिलेट टू दैट कैरेक्टर। एंड ऑब्वियसली जब आप पोएटिक अंदाज में निकालेंगे तो आप ऑब्वियस पोएट्री नहीं करते, आप हमेशा वही चीज़ नहीं दिखाएंगे जो मैं फील रहा था, जो मैं फील कर रहा था उसको उठा के मैंने एक और कैरेक्टर पे डाला और उसका एक्सपोज़ किया। सो पोइट्री की तो बात ही होती है कि यू कांट बी डायरेक्ट, यू हैव टू बी सिंबॉलिक। इसीलिए मुझे फैज साहब इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पोइट्स दैट वे, बिकॉज ही हैज सच अ वंडरफुल वे। अभी जो मैंने पहले भी कोट किया था, आई थिंक दशरथ तन्हा ही कोट कर रहा था मैं, मुझे इतना पढ़ा मुझे ऐसे याद नहीं है, सो मैं साथ नहीं दे सकूंगी आपका इसमें। मुझे देखिए इसमें कोई मैंने ओए लेवल्स किया था, हमारे करिकुलम्स इतने स्ट्रांग नहीं होते उर्दू को लेके, व्हिच आई थिंक इज वेरी अनफॉर्चुनेट। उर्दू हमारी जो जुबान है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है, और हमें हमेशा ये होता है कि अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने देखा हो कि मेरी कोशिश रहती है, मेरे शुरू के इंटरव्यूज आप देखेंगे तो मैं सिर्फ अंग्रेजी में बोल रहा था, आज आप बिल्कुल उर्दू में बात करें, पिछली दो दफा ही है, इससे बहुत ज़्यादा चेंज। मेरी कोशिश ये रही है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो मेरा उस मेरी कौमी जुबान जो है, मेरी नेशनल लैंग्वेज, मेरा एक्सप्रेशन वो है ना उसमें मेरा उबूर जो है वो, यू नो आई हैव अ स्ट्रॉन्गर होल्ड ऑन इट। सो वो आपको अपने आप को खुद एजुकेट करना होता है, आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ता है। एंड आई फील कि वो तो आप एक तरह से जाहिल होते हो कि अगर आप कहो कि नहीं मुझे तो अंग्रेज़ी आती है, उर्दू नहीं आती है, आई एम वेरी सॉरी। अगर मैं सारे हमारे पुराने माने हुए मंझे हुए अदाकारों की बात करूं, जैसे ज़िया मुहीद्दीन साहब हैं, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते हैं, उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, यू नो वंडरफुल, राहत काजमी ले लें, तलत हुसैन साहब ले लें, ऑल दीज पीपल दे नीड टू, एंड फॉर दैट मैटर मैं अपने, फॉर मी माई हीरोज़ माई फादर, मैं अपने फादर को देखता हूँ।
एंड ही इज फेमस फॉर दैट. उनकी जितनी अंग्रेज़ी अच्छी है उतनी उससे ज़्यादा नहीं तो उतनी ही अच्छी उनकी उर्दू है. वो अंग्रेज़ी में अगर बातों में शेर व शायरी करते हैं तो वो उर्दू में भी शेर व शायरी करते हैं, यू नो. सो आप जो ज़ुबान बोलें उसको अच्छा बोलें, टिका के बोलें, और इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, हमारा कसूर है एज अ माशरा. सो देयर इज नेवर टू लेट टू पिक अप अ बुक एंड स्टार्ट रीडिंग इट. सो खैर वो उसी में कह रहा था कि वो फैज़ साहब की पोइट्री जो है ना इज़ एज अ फिल्म मेकर इट्स अ गुड थिंग टू इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आप बहुत ज़रूरी है कि आप फैज़ साहब पढ़ें, क्योंकि वो बात मुद्दे पर इतने मज़े से आते हैं पोएटिक अंदाज से. जैसे दर्शन तनाई की अभी हमने बात की, पहले भी मैं कोट कर रहा था, तो उसमें भी अगर आप देखें कि जब वो शुरू होता है तो आपको समझ नहीं आता बात क्या हो रही है, और वो घूम फिर के जब वो एंड में आते हैं और कहते हैं इस बीच में जाके वो कुछ बोलते हैं, इस कदर प्यार से जाने जहाँ रखा है दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ. तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस कदर प्यार से जाने जहाँ रखा है दिल के रुखसार. अब दिल का रुखसार क्या मतलब, दिल के चीख पे तेरी याद में हाथ. तब जाके आपको बात समझ में आती है कि इतनी प्यार भरी जो बातें की थी वो सारी एक मेमोरी थी, एक मोमेंट था. वो किस वक्त अपने प्रेजेंट सेल में बैठे होंगे और को उनको कभी वो याद आई होगी, इसलिए तो कहते हैं लर्जा है जाने दश्ते तनहाई में जाने जहाँ लर्जा है. जब आपको कोई याद आती है अचानक से तो आप लर्ज से जाते हैं ना, क्योंकि आपके रोंटे खड़े हो जाते हैं और आपको इतने ज़्यादा इमोशंस एक साथ हिट होते हैं. बट उन्होंने कितनी ब्यूटीफुली आपको मिठास के साथ घुमाते फिराते रहे पूरे आइडिया के गिद और ठक करके लेके आए इस बात पे. इतना मजा आ रहा है ना आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एक्चुअली आई एम रियली एंजॉयिंग दिस. लेकिन मेरा सवाल जो था वो ये था कि वो जो आप वो स्पेशल वंस जो गुजरी हुई होंगी उनको जो लिखते थे, कोई बताएं कोई मज़े की चीज़ कभी जो आपने कोई रोमांटिक जेस्चर किया होगा जिसको आप अब सोचते तो आप कहते हैं हाँ यार दैट वाज क्यूट आई डिड इट, यू नो मज़ा आया. या फिर कोई एक ऐसा जो आप कहते हो यार ये मैं क्या किया था, कुछ ऐसा हमसे शेयर कर सकते हैं, लाइट हार्टेड मोमेंट्स भी होने चाहिए. नहीं बिल्कुल, इफ एनीथिंग आई वुड से कुछ जगह पे किए हैं एंड काफ़ी जगहों पे ये गलती मुझसे रही है कि मैंने लिखा बहुत है बट मैंने कभी वो पोस्ट नहीं किए लेटर्स. तो आप लिख के खुद ही रख लेते थे, खुद दिया ही नहीं कभी. बिकॉज़ वही मसला है ना कि हमें डर लगता है एज मैन टू बी इमोशनल, यू नो टू बी आई फील आई एम सर्टन आई हैव अ लॉट ऑफ आई एम जनरली अ रोमांटिक. सिर्फ प्यार को लेके नहीं बट प्यार हर चीज़ से होता है, मुझे काम से प्यार होता है. मैं जिस भी आप तैयार होते हैं आपके अंदर रोमांस नजर आता है, आप जिस तरीके से अपनी गाड़ी को देखते हैं, जिस तरीके से अपने घर को रखते हैं, जिस तरीके से अपने ऑफिस को रखते हैं, आप चीज़ें आप ऑफिस आई थी मेरे तो आपने देखा होगा. यस आई नो इट वाज वेरी नाइस. सो नहीं बट इट्स नॉट अबाउट नाइस, देयर इज अ रोमांस, एवरीथिंग. या देयर इज अ रोमांस, देयर इज अ थॉट बिहाइंड एवरीथिंग, देयर इज इट शोज लव, इट शोज केयर फॉर ईच एंड एवरीथिंग, वार्मथ. जो जो चीज़ें आपने चूज की हुई थी, जो जो रखा हुआ था उसके पर एक फीलिंग आ रही थी, केयर वार्मथ. सो वो मेरी मुझसे मेरे ख्याल से एक पास्ट में गलती रही है. और सो व्हाट वुड यू एडवाइस टू द गाइस कि वो डरे नहीं, एक्सप्रेस कर दिया करें. हाँ, एक्सप्रेस या थोड़ा रखें. मुझे यू नो अक्सर हमारे करंट प्रेजेंट लाइफ में लोग आपको बहुत छोटे मोमेंट्स में बड़े फलसफे दे जाते हैं. यू नो हम अपने कानों को बंद करके बैठे होते हैं. आपको अक्सर यू नो वॉक्स ऑफ योर लाइफ में यू नो पीपल दैट जिनको आप शायद सोचेंगे कि यार ये क्या मुझे बोलेगा, ऐसे ना सुने, ऐसे ना सोचें, क्योंकि अक्सर आपको छोटी छोटी बातों में इतने बड़े बड़े फलसफे मिल जाते हैं जो आपके नज़रियात को बदल देते हैं बिल्कुल. सो यू नो अक्सर मैंने एक दो लोगों को देखा है दैट दे आर वेरी काइंड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्स, दे आर वेरी काइंड विद देयर लव. And this is what they say that हमें लगता है कि अगर आपको किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको कह देना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कल आप होंगे नहीं होंगे, कल वो होंगे नहीं होंगे. और अगर आपके अंदर वो है किसी के लिए प्यार तो बस दिखा दो अक्सर अगले बंदे को. सो आई थिंक ये मुझ में थोड़ा सा कमी रही है कि अगली दफ़ा जो मैं खदूद जो लिखता रहा हूँ वो मैं पोस्ट कर देंगे, पोस्ट कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा, व्हाट्सएप ईमेल कर दूंगा, तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा. अच्छा बस एक दो सवाल दमीर आप. I'm a very emotional person but I never show my emotions, that's the problem. Not even in relationships. आपके ख्याल में ये अच्छी चीज़ है या ये करनी चाहिए कि I think it's very important and I've worked on it. मैंने consciously उसके ऊपर काम किया है कि मैं अपने emotions का ज़्यादा fluid रहूँ. और अब आहिस्ता आहिस्ता even with my parents, my siblings, अब आहिस्ता आहिस्ता you know expressive. ज़रूरी नहीं है हर अच्छी चीज़. कभी कोई चीज़ अगर आपको बुरी भी लग रही है तो वो भी बता देना चाहिए. एटलीस्ट आप अपने ओपन कम्युनिकेशन रखो. सो आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट नाउ एंड दैट इज़ समथिंग मुझे लगता था कि जिसमें कुछ कमी बाकी रह गई थी. देखिए हर किसी की शख्सियत में काफ़ी कमी होती हैं, कमी पेशियाँ होती हैं. एक ज़िंदगी का तो पर्पस ही है ना कि आपको इम्प्रूवमेंट कर मतलब आपने कभी सोचा है ज़िंदगी का मकसद क्या है? हाँ सोचती हूँ अक्सर. नहीं अगर मकसद नहीं पता होगा तो मैं रोज सुबह उठूँगा कैसे? सो आई फील हर किसी इंसान की ज़िंदगी का एक तो वो मकसद है जो अल्लाह
ने हमें दिया है, पर हर इंसान का अपना जिंदगी का अपना मकसद है, आपकी जिंदगी का अपना मकसद, मुझे लगता है मेरी जिंदगी का मेरा अपना मकसद है। इतने इतने कुछ सालों में जो जितना मैंने सोचा है उसमें मुझे ये लगता है कि मेरी जिंदगी का मुझे लगता है एटलीस्ट मकसद ये है कि कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट, एक बेहतर इंसान बनना, एक बेहतर प्रोफेशनल बनना, एक बेहतर भाई बनना, एक बेहतर बेटा बनना, एक बेहतर ओवरऑल एक बेहतर इंसान बनना। इंसानियत बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड आई थिंक रिलीजियसली भी आपको जो जो रब है वो यही कहता है कि आपने थ्रू आउट अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है, अपनी नफ्स पे कंट्रोल करना है। सो सारी बात तो वही है, सो आई थिंक दैट इज़ द पर्पस ऑफ आप अपने रिलीजियसली भी ड्यूटीज़ फॉलो करेंगे तो आप एक बेहतर इंसान बनते जा रहे हैं ना। आप अब मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती है, मैं प्रोफेशनली वो काम करता ही नहीं हूँ जिसमें मैं अपना 120% दे सकूँ। लोग मुझे अक्सर कहते हैं तुम बहुत चूजी हो जाते हो, ये करते हो, मैं कहता हूँ वो बात नहीं है, अगर मैं एक्साइटेड नहीं हूँ तो मैं कभी सच्चाई नहीं कर पाऊँगा अपने काम के साथ। सिर्फ दिहाड़ी तो नहीं कमानी, अगर ये होता तो मतलब मैं 9 to 5 वाली नौकरी करता, अपने डेस्क पे बैठा रहता सुबह शाम। अगर ये काम करने की हिम्मत की और रब ने साथ दिया और रोज़गार दे दी इसमें, तो फिर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जो भी काम करूँ वो इबादत की तरह करूँ। जितनी सच्चाई से मैं इबादत करता हूँ उतनी सच्चाई से अपना काम करूँ। तो फिर इबादत के लिए नीयत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जिस चीज़ पे मैं नीयत नहीं बना पाता फिर मैं उस चीज़ से दूर रहता हूँ। कि अगर मैं नीयत बांध सकता हूँ कि इसको मैं दूंगा अपनी ज़िंदगी का 120%, तभी मैं वो काम उठाता हूँ। सो आई थिंक इसी तरीके से हर चीज़ में जो भी, मैं मेरा मानना ही है कि ऐसी कोई चीज़ ही ना करें जिसको आप जुनूनियत के तौर पर ना कर सकें। तो मैं करता ही वो, स्पोर्ट भी खेलता हूँ तो उस लेवल पर खेलता हूँ। सो आई बिलीव दैट विद लव एज़ वेल, आई थिंक मोहब्बत भी इंसान तब करे जब वो जुनूनी हद तक इन्वॉल्व हो जाए। जुनूनी हद तक इन्वॉल्व हो जाए, जुनूनी हद का वो वहाँ पे आपकी फिर वहाँ पे नजर आता है कि इंसान जो है वो सुलझा हुआ इंसान है या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुलझे हुए ना रहे, सुलझे हुए रहे जुनूनियत के साथ, लेकिन ये इंटरेस्टिंग लाइन बोली है, जुनूनियत के साथ सुलझे हुए रहे। हाँ मतलब देखें वही बात है ना, कुछ हद होती है, कुछ रूल असूल होते हैं, नहीं तो हमें और जानवरों में क्या फ़र्क है। हमें पता है कि हमने खाना यहाँ पे और यहाँ पे सोना है, यहाँ पे हमारे उसूल है ना ज़िंदगी के। जानवर तो हर चीज़ एक ही जगह पे कर रहे होते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। सो वो दैट इज़ व्हाट मेक्स हमें अशरफुल मखलूकात बनाता है। तो मैं उसको भूलने को नहीं कह रहा, बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक रिलीजियस स्कॉलर है, उन्होंने मुझे एक उनकी मैं हमेशा चीज़ कोट करता हूँ, उन्होंने कहा था कि जो हमारा रिलीजन है ना, आपने कभी कभी अगर वो देखा है हॉर्स राइडिंग का स्कूल देखा है तो एक सर्कुलर होता है। सो अक्सर लोग आपको ना ये बॉर्डर बताते हैं कि ये आपकी लकीर है, और वो आपको कहते हैं इसी लकीर पे चलते रहो, इसी लकीर पे चलते रहो कि ये तुम्हारे रूल असूल है। कहते हैं उसके बीच में जो पूरा एरिया होता है वो आपको दिखाते नहीं है। तो घोड़ा इसके अंदर भी खेल सकता है, छलांगे मार सकता है, कूद सकता है, चीज़ें कर सकता है, वो सिर्फ इस लकीर पर क्यों चलता रहे, उस गोलाई पर क्यों चलता रहे, बीच में भी तो घूम सकता है। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर जब तक आपको अपनी हद पता है कि यार ये मेरी हद है, उस हद के अंदर रहते हुए भी आप जुनूनियत से काम कर सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो भी काम करें वो सच्चाई से करें, मोहब्बत से करें, रोमांस से करें, उसमें आप हर किस्म का इश्क झलकना चाहिए, आपका शौक झलकना चाहिए, या तो फिर ना करें। लास्ट क्वेश्चन, मेजर उसामा, मेजर उसामा ने जो किया, उन्होंने एक विडो से शादी की जी। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज मुझे लगता है वो इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, इतना अच्छा एक्शन था, इतना वो जो चीज़ है, एक ज़रूरत है इसको प्रमोट करने के लिए और इसको नॉर्मलाइज करने के लिए कि एक विडो से या डाइवोर्सी से शादी करना इट्स ओके। बट इन रियल लाइफ हाउ डू यू सी दिस हैपनिंग? क्या अगर मैं आपको लूँ तो क्या आप इतने बहादुर होंगे कि आप इस तरह का एक्शन लें? क्या हमारी सोसाइटी अलाउ करती है? क्या आप अपनी उम्र से बड़ी औरत से शादी करने का सोच सकते हैं? ये सब चीज़ें कैसे प्ले करती हैं आजकल और आप कैसे देखते हैं? आई थिंक And sorry, the reason I'm asking is not to put you on spot. No, not it's a conversation and you can be honest. If yes, why? If no, why? I think life is based on trial and error. I think in terms of my personal life, my love life and all, mera kafi trial and error ho chuka hai. I was engaged for a while, that broke off as well. We don't talk about that. Actually, I do. I have no concerns talking about that. I think we're both in better places, alhamdulillah. So आहिस्ता आहिस्ता एज अ ह्यूमन बींग आपके आपका नज़रिया इवॉल्व होता है, आप एज अ ह्यूमन बींग भी इवॉल्व करते हैं। तो इवन टू डू विद रिलेशनशिप्स एंड लव, आपका जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाते हैं आपके नज़रियात बदलते जाते हैं। मेरी उम्मीद ये होती है कि जैसे जैसे आप उम्र से बड़े होते हैं आपका दिमाग और खुले रादन और नैरो होता जाए। सो जो आपने सवाल पूछा है, अगर मैं
मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जवाब देना चाहता हूँ. एक वो जो एक आइडियल जवाब है जो कि आप मेरे मुंह से सुनना चाहती हैं. नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती. मैं नहीं, जो आप मेरे मुंह से सुनते हुए अच्छा लगेगा. अगर मैं इमेज मैनेजमेंट के लिहाज से कहूँ, क्योंकि हर इंसान इमेज मैनेजमेंट कर रहा होता है हर वक्त. आप भी जो इस वक्त स्क्रीन की उस तरफ मुझे देख रहे हैं, आप भी अक्सर अपनी अक्सर के ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इमेज मैनेजमेंट कर रहे होते हैं. अब वो बातें कह रहे होते हैं जो आपको लगता है अगला सुन के आपसे ज़्यादा मोहब्बत करेगा, आपको और ज़्यादा पॉजिटिव देखेगा, पॉजिटिव देखेगा. सो एक वो एक इमेज मैनेजमेंट इंसान का जो है ना एक कमज़ोरी है, वो थ्रू आउट चल रही होती है सबकॉन्शियस लेवल पे, आपको पता भी नहीं होता. सो एक जवाब वो होगा जो वो जो मुझे लगता है कि इमेज मैनेजमेंट वाइज मुझे आपको देना चाहिए. और एक जवाब वो है जो मुझे लगता है सच्चा, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी सोचा है. मुझे लगता है कि दीज थिंग्स डोंट मैटर, डिवोर्स एंड दिस इज एज बोथ वाइज, राइट? आई थिंक विडो होना, डिवोर्सी होना, एज में बड़े होना, दीज थिंग्स डोंट मैटर. एज लॉन्ग एज आपकी वेव लेंथ मैच कर जाए, एज लॉन्ग एज आपकी केमिस्ट्री मैच कर जाए. बिकॉज हर रोज़ सुबह को उठ के आपको उस औरत को देखना होगा, पूरी दुनिया जो बातें कर रही है उसको नहीं देखना होगा. तो अगर वो रोज़ शहजादी बोले उसको, लेकिन आप सुबह जब उठ के उस खातून को देखते हैं तो आपको उसकी कमज़ोरियों को पता है, उन कमज़ोरियों के आपके ऊपर क्या असर होते हैं और आपकी रिलेशनशिप पे क्या असर होते हैं, या फिर आपकी वो वाली कमज़ोरियाँ उसको एक्सेप्टेबल नहीं है. सो वो आपको फेस करना है रोज़ सुबह उठ के, ना कि मेरी जो साथ वाली पड़ोसी है जो इसके बारे में जो अपना अप्रूवल दे रही होगी इसको, उसको फेस नहीं करना. अक्सर आइडियल लोगों को जो लगता है ना कि यार ये इतना प्यारा है, ये इतनी प्यारी है, इन दोनों को साथ होना, वो आइडियल असल में नहीं होता. हम इंसान मशीन तो है नहीं कि ये इसमें आके ये फिट आ जाएगा, ऐसे तो होता नहीं है. तो कभी कभार जगह बनानी पड़ती है यार, और ये वो प्रोसेस होता है जिसके लिए हम दोनों साथ मिलते हैं, आप और आपकी कंपेनियन, और कहते हैं कि यार डू वी अग्री टू वर्क ऑन दिस, कि ये शायद अभी फिट नहीं आ रहा बट हम कोशिश कर करके इसको आपस में, बट हम ये कोशिश करने के लिए राज़ी हैं. सो देयरफॉर मुझे ये लगता है कि लोगों का तो ओपिनियन मैटर करता ही नहीं है. पहले आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, ये आपकी रियलिटी पे डिपेंड करता है. एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आपकी शख्सियत के लिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लोगों का, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. अक्सर लोगों को मैटर करता है कि लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसको आप बदल नहीं सकते. बट फिर वो आपको, फॉर मी हाँ देयर इज अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ इट, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट डजंट मैटर टू मी व्हाट पीपल से, ऑनेस्टली. एंड आई हैव टेस्टेड माई सेल्फ टू दैट, कि फॉर मी इट इज़ अबाउट माई सैनिटी. हाँ, वॉट मैटर्स टू मी इज़ नॉट लोग बट माई फैमिली. उस प्रेशर में मैं से कभी नहीं निकल पाता. वो मेरे लिए है, वो एक चीज़ है कि मैं उससे कभी ना, मैं उससे अलहदा होना चाहता हूँ. वो एक ऐसा जोड़ है, या फिर प्रेशर कहें, या आप उसको मेरे कंधे पे कहें, जो भी, वो जानबूझ के मैंने उठाया हुआ है, उसको मैं नहीं दूर करूँगा. तो वो मेरे लिए मैटर करेगा. बट अदर देन दैट, मेरी पड़ोसन क्या कहती है, मेरे फार अवे रिलेटिव्स क्या कहते हैं, मेरे दोस्त क्या कहते हैं, डजंट मैटर टू मी. सो देयरफॉर दैट इज़ माय आंसर टू बीइंग अ डिवोर्सी, और बीइंग विद अ वुमन, एक ऐसी खातून का जो डिवोर्सी है या फिर ओल्ड एज की है. एज लॉन्ग एज़ यू हैप्पी, हर रोज़ सुबह आप एक दूसरे को देख सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, पूरा दिन गुजार सकते हैं, एक दूसरे की दूरी बर्दाश्त नहीं होती, ये सारा आपके अंदर है, सो फिर बिल्कुल डन. दी ओनली प्रॉब्लम फॉर मी, बिकॉज मैंने इस पर बड़ा इन डेप्थ सोचा है, इज़ टू गेट मैरिड टू अ डिवोर्सी जिसके बच्चे हों पहले से. ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्योंकि क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मेरी क्या छोटी सी सोच है इसमें. आपका पहला इनिशियल रिएक्शन उस बच्चे को मोहब्बत देने का ये इसलिए होगा क्योंकि आप उसकी वालदा से मोहब्बत करते हैं, राइट? कि मैं इस खातून से मोहब्बत करता हूँ तो मैं इसको सेव करने के लिए दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस बच्चे को इतनी मोहब्बत दूंगा. तो पहली मोहब्बत उस बच्चे से नहीं होती, पहली मोहब्बत आपकी उस खातून से होती है, और वही मोहब्बत आप उस बच्चे को दे रहे होते हैं खातून की वजह से. किस पॉइंट पर जाके उसके साथ वो मोहब्बत बन जाती है कि वो नेचुरल होना शुरू हो जाए, वो थोड़ा टाइम लेता है. हाँ, लेकिन जब आप एक नॉर्मल इंसान भी, जब ये नॉर्मल एक मर्द भी जब ये कर रहा होगा, तो उसकी सच्चाई कितनी है वो बहुत मैटर करती है. कि क्या वो जब उसका फादर बनेगा तो वो एक बच्चे का फादर बन रहा है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, शायद आपका बच्चा नहीं है, बट जब शादी हो गई तो आपका टेक्निकली तो बच्चा हो गया ना. और शायद बच्चा नहीं हुआ तो आपने एटलीस्ट उसका केयर उसको प्रोवाइड करना है. अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अगर आप उसके केयर टेकर हो, तो फिर आप पे ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपका अपना बच्चा होता तो आप उससे डिफरेंटली नहीं होते. इन द सेंस कि अगर आप उस पर ज़्यादा सख्त हो गए तो शायद वो बच्चा टर्न अराउंड करके बोले कि क्योंकि मैं सुतेला हूँ या मैं सुतेली हूँ, इसलिए मेरे ऊपर जुल्म करते हैं ना आप. और अगर आप बहुत लैक्स हो गए, फ्रेंडशिप करना शुरू हो गए,
तो जब वो बड़ी होगी या बड़ा होगा वो कहेगी आपने मेरे ऊपर बचपन में कंट्रोल नहीं रखा, इसलिए आज मैं ये बस. तो बच्चे तो हमेशा ऐसे होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर आती है. दूसरी प्रॉब्लम तब आती है जब आपके अपने बच्चे हो जाते हैं. अब आप दोनों के बीच में कैसे मैच करते हो? क्या आप इसको इस इनसिक्योरिटी पे कि ये मुझे कुछ कहे ना या मेरी बीवी नाराज़ ना हो तो मैं इस वाले को ज़्यादा मोहब्बत देता हूँ और इस वाले को मैं टाइट रखता हूँ, तो कल ये मुड़ के बोलेगी कि आपने मुझे मेरे ऊपर डिसिप्लिन नहीं डाला इसलिए मैं ज़िंदगी में कुछ बन ना पाया या बन नहीं पाई. और अगर इसको आपने ज़्यादा सख्त रखा तो बोले कि अपने बच्चे को तो आपने नहीं किया, मुझसे प्यार नहीं करते थे. सो ये बहुत बड़ा टेस्ट है एक मर्द का, बहुत बड़ा टेस्ट है. अगर आपको लगता है कि आप इस पर सीधे उतर सकते हैं तब आप ये स्टेप लें, अदरवाइज डोंट इवन बॉदर. जस्ट बिकॉज यू लव अ वुमन यू कांट से कि नहीं ये मेरा ये है. वो पूरा पैकेज है ना, दिस होल थिंग दैट कम्स विद इट. सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दैट आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं सोचता हूँ शायद मैं इतना अभी अपने आप को स्ट्रॉन्ग शायद ना सोच पाऊँ बिकॉज मैं तो पागल होता रहूँगा पूरी ज़िंदगी की क्या मैं उसका फेयर बच्चे के साथ फेयर हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ. सो मुझे तो रात को नींद नहीं आएगी. आई रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी एंड आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है जो आपने पॉइंट उठाया कि अगर आप ये स्टेप ले रहे हैं तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसमें इन्वॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए. और जब आप रेडी हो तो तभी आप ये स्टेप लीजिए. विच डज नॉट मीन दैट डू नॉट टेक दैट स्टेप. नो नो, आई एम नॉट सेइंग नॉट डज नॉट मीन दैट, बट दिस रिलेट्स कंप्लीटली स्ट्रेट टू द प्रीवियस आंसर दैट आई गिव यू. मैं जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करता जो मैं 120% ना कर सकूं. अगर मुझे लगेगा कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 120% कर सकता हूँ तभी मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा. यानी आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ मोहब्बत ही, प्रैक्टिकलिटी को भी देखना चाहिए. सो आई अप्रिशिएट दैट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शेयर यार. थैंक यू सो मच आविया. अब आपको समझ आया मैं क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जब आता हूँ तो इतना बोलता हूँ. नहीं तो मुझे तो चाहिए था, तो कही थी बोले. देखिए हमने इंटरेस्टिंग टॉपिक से बात की, यू हैव टू एडमिट. हमने कोई बोरिंग पता नहीं, बट लाइक आई थॉट वी टॉक्ड अबाउट टॉपिक्स जिनके बारे में बात करने की ज़रूरत है. और आपने बड़ी ऑनेस्टी से बात किया, लाइक इट. आपने वो कमर्शियल जवाब नहीं दिया, हाँ हाँ मैं तो कुछ भी कर लूँगा, मैं तो ये भी. आपने एक थॉट प्रोसेस जो आपका है वो, विच मुझे लगता है कॉन्वर्सेशन स्टार्ट तो करें, हम बात तो करें. हम तो बात ही नहीं करते हैं नहीं 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 हो सकता, या फिर हम एक फेक जवाब देते हैं, यस यस वी विल डू इट. रियलिस्टिकली हाँ. तो मुझे, मेरी कोशिश ये है कि हम इन चीज़ों पर बात करें. कुछ लोग बात इसको से पहले सुन के, मेरा मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग सोचना शुरू करें. तो आपकी बात से लोग सोचेंगे, सोचने से डरे मत. yes. लेकिन सोचने का, एटलीस्ट मैंने कौन सा किसी डिवोर्सी से शादी कर ली है, लेकिन आपने मुझसे सवाल पूछा तो मेरे पास एक जवाब था ना, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं सोचा हुआ है. और कल क्या पता किसके ऊपर क्या सिचुएशन हो. बहुत से लोग जो इस सिचुएशन में होंगे, मे बी वो इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे, हिम्मत लेंगे, कुछ शायद रियलिस्टिकली पीछे हो जाएं. अपने लिए भी बेहतर है, किसी और को भी फ्यूचर में दुख देने से बेहतर है. सो इट्स आई जस्ट फील कि हमें ऑनेस्टी से रियलिस्टिकली इन चीज़ों को अपने माशरे में फेस करना चाहिए, रादर देन कि हम कम्प्लीटली ना बोल दें या उसको टैबू बना दें. बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड शेरिया वॉज वेरी रिलक्टेंट टू कम. आई रियली वॉन्टेड हिम टू कम एंड स्पीक अबाउट अ फ्यू थिंग्स एंड आई होप कि जो पूरी बात की उसे कहीं ना कहीं, जैसे शेरिया ने बोला, आप लोग सोचना शुरू करेंगे और शायद कहीं ना कहीं एक माइंडसेट चेंज होना शुरू हो गया है. बेशक वो 0.001% ही क्यों नहीं हो, आई थिंक हमें लगेगा हमने कुछ अचीव कर लिया है. एब्सोल्युटली, आपने किसी के दिमाग में कोई जरासीम छोड़ दी है, वही काफ़ी है. टेक केयर एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द प्रोजेक्ट दैट यू डू नॉट वांट टू शेयर विद अस राइट नाउ. नो नॉट एट ऑल. आई जस्ट पुलिंग योर लेग, इट्स ओके. आई थिंक इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा. ऐसे मैं आपको बताऊँ, मेरा एक बहुत मानना है ज़िंदगी में, जो कि मैं आप लोगों को भी कहूँगा, मैं कहता हूँ हरकत में बरकत है. तो हरकत इंसान को हमेशा रखनी चाहिए. आप हरकत करते रहोगे तो 10 चीज़ों की कोशिश करोगे तो उनमें से 2 होंगी. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं 2 के लिए ही ट्राई करूँ. ट्राई 10 के लिए करें और 2 पे खुश हो जाएँ. सब्र और शुक्र ज़िंदगी का अहम असूल है ऑफ अ हैप्पी लाइफ. सब्र और शुक्र, दैट इज़ वॉट विल कीप यू हैप्पी इन लाइफ, ट्रस्ट मी. Thank you so much for your time. Thank you, Abhi.